वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए बच्चों, तो आज की सुबह में भी आप सब लोगों का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों पावर प्लांट का हमारा आखिरी टॉपिक, बट वो आज ही खत्म नहीं होगा, ठीक है? बट उसको आखिरी टॉपिक कहेंगे हम लोग, बिकॉज उसी पे जो है मेनली लास्ट हमारा रहता है। इसके बाद फिर मैं आपको कंपैरिजन वगैरह करा दूंगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि पावर प्लांट बेसिकली मिलके बनता है सोलर, थर्मल, न्यूक्लियर, इन तीनों पावर प्लांट्स को मिलके, ठीक है ना? गैस भी ले लो। तो ये सारे पावर प्लांट्स को मिलके हम लोग पूरा पावर प्लांट सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हमारे पास मेनली जो है वो थर्मल पार्ट से ही सारा आता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि सोलर और न्यूक्लियर से बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा क्या, कुछ देखने को ही नहीं मिलता है, जबकि आना चाहिए, क्योंकि भविष्य तो यही है, ठीक है ना? भविष्य तो सोलर न्यूक्लियर ही होने वाला है हर फील्ड में। तो इस वजह से ज़रूरी है कि सोलर न्यूक्लियर की नॉलेज दी जाए, लेकिन अभी हमारे कोर्स वर्क में ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि भविष्य है ना, और हमारा कोर्स वर्क तो पास्ट में चलता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। बट फिलहाल तो हमें कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है, तो हमें सोलर न्यूक्लियर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको कंपैरिजन वगैरह जरूर करवा दूंगा एट द एंड, जिस दिन पावर प्लांट का हम एंड करेंगे, मतलब एक दो क्लास ही बची है, तब मैं आपको कंपैरिजन वगैरह करवा दूंगा, ठीक है ना? एक दो क्लास मतलब एक बची है आपकी, कंप्रेसर 2 दिन चलेगा, ठीक है? और उसके बाद एक दिन हमारा फ्यूल्स एंड कंबशन लेना है मैंने, ठीक है? तो मतलब नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे ये कंप्लीट हो जाएगा पावर प्लांट, ठीक है? उसके बाद अगला स्टार्ट क्या करना है, आइस इंजन करना है या प्रोडक्शन करना है या मशीन डिज़ाइन करना है, वो आपकी इच्छा है, आप जैसा बताएंगे वैसा करेंगे, क्लियर ना? तो ये 2-3 लेक्चर बचे हैं मेरे अकॉर्डिंग, इनको हम जल्दी पूरा कर लेंगे 3 दिन के अंदर, और फिर हम आगे अपना आगे टारगेट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, पावर प्लांट का जितना भी सेशन है, जितना भी प्लेलिस्ट है बच्चों, उस प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से, अभी जैसे ही प्लेलिस्ट पूरा होता है मैं सभी जगह शेयर कर दूंगा वो प्लेलिस्ट, बहुत अच्छे से पावर प्लांट की प्लेलिस्ट को तैयार कर लीजिएगा बच्चों। वो प्लेलिस्ट में सिर्फ वो बेसिक है जो एटलीस्ट पावर प्लांट में सबको पता होना चाहिए, मतलब इतना मैं कहूंगा कि इतना एटलीस्ट सबके पास लिखा होना चाहिए, सबको रटा होना चाहिए इतना पावर प्लांट। उसके बाद बाकी है कि अब आप प्रैक्टिस से क्वेश्चंस को तैयार करते जाएं और बेहतर क्वेश्चन तैयार करते जाएं, लेकिन इतना तक तो सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? समझ आई बात? ठीक है, बाकी क्या स्टार्ट करना है बच्चों, इसके बाद वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आईसी इंजन करना चाहते हैं या मशीन डिजाइन करना चाहते हैं या प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ये 3 चॉइसेस आपके पास रहेंगी, क्योंकि यही 3 मेजर हमारे बचे हैं, तो ये 3 चॉइस आपके पास रहेंगी, तो जैसा आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है? या एक अभी मेरे ख्याल से आरएसी भी हमने रिवाइज नहीं किया, आरएसी भी एक ऑप्शन है जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना? वो भी अब थर्मल में ही है, तो चाहें तो आप आरएसी भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। चलिए बच्चों, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज कंप्रेसर, ठीक है ना? शुरुआती बातें, सबकी नींद खुल गई है, सब ओके एक्टिव हो गए हैं, तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर हम सभी लोग जानते हैं, एक सेकंड में एक चीज और उठा लेता हूं, एक सेकंड, जो मुझे जरूरत पड़ सकती है सिलेबस की। चलिए, सर्जिंग कंप्रेसर में ही बताया जाएगा बच्चों सर्जिंग क्या होता है, ठीक है ना? ये कंप्रेसर का ही टॉपिक है, कंप्रेसर में बताया जाएगा। कंप्रेसर में बस 2 लेक्चर आपके लिए बहुत हैं, उसमें एक लेक्चर में हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर देखेंगे, दूसरे लेक्चर में हम रोटेटरी कंप्रेसर देखेंगे, ठीक है ना? तो इनकी हम लोग मेनली इस तरह से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। नाउ याद रखिए,
अब सिंपल सी मैं बात कहूं, कंप्रेसर, और बिल्कुल बेसिक तरीके समझने की कोशिश करिएगा कि कंप्रेसर नाम से क्लियर है, टू कंप्रेस, नाम से क्लियर है, कंप्रेस टू प्रेशराइज, या हम बोलें टू इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर का इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन प्रेशर। तो हमारा टारगेट क्या है कंप्रेसर से, कि प्रेशर को इंक्रीज करना, वो भी किसके, गैस के। ठीक है, तो हम मेनली एयर या गैस बोले, तो उन एयर या गैस के प्रेशर को इंक्रीज करना इज कॉल्ड कंप्रेसर। ठीक है ना। तो चोकिंग सर्जिंग, बच्चों एक साथ ये टर्म आएगा कंप्रेसर में, क्योंकि चोकिंग हमने नोजल में पढ़ा था, वो सेपरेट है, लेकिन यहाँ पे चोकिंग और सर्जिंग जब हम डिस्कस करेंगे तो वो कंप्रेसर में आएगा, तो उसको वहां डिस्कस करेंगे जब आप पूरा कंप्रेसर देखोगे। ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ अ गैस, किसी गैस के प्रेशर में इंक्रीमेंट करना इज कॉल्ड अवर कंप्रेसर। इंक्रीमेंट करने से मतलब ये है कि कोई भी डिवाइस जिसको हम कंप्रेसर कह रहे हैं, वो एक ऐसा डिवाइस है जिसपे कोई एयर या गैस जाती है किसी P1 प्रेशर पे, तो अंदर जो भी हो रहा है वो बाहर निकलेगी किसी P2 प्रेशर पे, और P2 प्रेशर जो है वो कई ज्यादा होगा P1 प्रेशर से, तब हम इसे कंप्रेसर बोलेंगे। ठीक है, तब हम इसे कंप्रेसर बोलेंगे। तो याद रखिए, ये P2 और P1 ही है प्रेशर रेशियो, जो यहाँ पे मेनली कहलाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये P2 P1 जो है वो क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे बोले सिर्फ प्रेशर के बेसिस पे, ठीक है, तो जनरली कई लोग एनर्जी के बेसिस पे ही बोलते हैं, लेकिन एनर्जी के बेसिस पे हम लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अगर बात करें तो एनर्जी तो लगभग सेम रहनी चाहिए, अगर लॉसेस को ना रखें तो एनर्जी तो जो जाएगी वो निकलेगी। भाई प्रेशर बढ़ेगा तो कुछ तो कम हुआ होगा ना, मतलब किसी ना किसी एनर्जी में तो डिक्रीमेंट आया ही होगा। भाई प्रेशर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो किसी ना किसी में आएंगे, तभी जाके यहाँ पे प्रेशर राइज होगा। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं इस प्रेशर रेशियो की, मेनली प्रेशर रेशियो, क्योंकि प्रेशर रेशियो ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे, कि क्या आपने गेन किया है, दैट इज P2 अपॉन P1, क्या प्रेशर रेशियो हमने गेन किया है, समझे बार। ठीक है ना, तो यहां पे याद रखिए, इस प्रेशर रेशियो के बेसिस पे अगर हम कैलकुलेशन करें और एक क्लासिफिकेशन डेवलप करें, तो इस प्रेशर रेशियो को अगर मैं बोलूं, फैन की बात करूं, मान लीजिए कोई भी हम छोटा सा डिवाइस लेते हैं एयर के साथ जो काम करता है, मान लीजिए आपका फैन है, तो फैन की अगर मैं बात करता हूं, तो फैन आपको क्या लगता है कि आपका जो फैन है वो, इसके हवा यहाँ पे आती है, यहाँ हवा रहती है मान लीजिए इसके आसपास, और ये उस हवा को तेजी से घुमाता है, और मान लीजिए फैन आपकी हवा जो है वो बाहर दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि फैन जो है वो कितना प्रेशर रेशियो में चेंज लाता होगा। मतलब अगर मैं बोलूं फैन के इनलेट पे प्रेशर P1 है और आउटलेट पे P2 है, तो क्या लगता है आपको कि ऊपर जो फैन चल रहा है और ये हवा मुझे महसूस हो रही है, ये प्रेशर रेशियो में कितना चेंज होगा, बताइए बताइए, कुछ गैस करिए, ये प्रेशर रेशियो में लगभग कितना चेंज होगा फैन के, आपको क्या लगता है, वट कैन बी दी P2 अपॉन P1, बताइए। 1, 2, 3, कितना कितना प्रेशर में ये चेंज ला रहा होगा, कुछ अंदाजा दीजिए। आई एम फर्स्ट व्यूअर ऑफ योर यूट्यूब ऑफ योर वीडियो, ओके थैंक यू वेरी मच, वेलकम है आपका। 1.1, 1:1, 1:1 मतलब आपके हिसाब से कोई चीज नहीं है, 10 to 10.1। जयसंत कुमार, तुमने कौन सा फैन लगा रखा है, तुमने वो तो नहीं लगा दिया वो ब्लोवर जो तूफान खड़ा करने के लिए लगाते हैं। याद रखिए, फैन का काम जो होता है वो ऑलमोस्ट होता है सिर्फ वेलोसिटीज में चेंज लाना, ठीक है ना, फैन में ज्यादा कुछ नहीं होता है ऑप्शन, सिर्फ वेलोसिटी में इंक्रीमेंट करता है, मतलब थोड़ा सा वेलोसिटी को बढ़ाता है, जो आसपास हवा है उसको थोड़ा सा स्पीड दे देता है, जिससे बाय कन्वेक्शन हमारे बॉडी से हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, बाय कन्वेक्शन हमारी बॉडी से जिससे हीट ट्रांसफर होता है, तो याद रखिए यहाँ पे बाय कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है ना,
तो यहां पे हम ये ना कहें कि बहुत ज्यादा कोई प्रेशर में इंक्रीमेंट होने वाला है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1.1। हाँ सही सही कह रहे हैं, जिसका 10 रेशियो था उसने हेलीकॉप्टर लगा रखा है। तो याद रखिए, दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1.1, तो मतलब लगभग ऑलमोस्ट लगभग सेम या उससे भी कम है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट करता है फैन हमारा, फैन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिससे वो बहुत कुछ कर सके। फैन इज जस्ट, फैन वाली बात है कि आपने हवा बोला और इस हवा में मैंने फूक मार दी, तो फूक मार के मैंने क्या कर दिया, हवा की वेलोसिटी बढ़ाई है बस, ठीक है ना। तो अगर इसमें हमें हवा लग भी रही है तो वो सिर्फ प्रेशर चेंज के कारण नहीं लग रही है, वो सिर्फ हमें क्या है, उस एयर की वेलोसिटी लग रही है। और अभी हमने हीट ट्रांसफर में देखते हैं कि कन्वेक्शन रेट जो है वो फ्लूड की वेलोसिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तो कन्वेक्शन रेट से जो हीट ट्रांसफर है वो फ्लूड की वेलोसिटी की वजह से तेजी से हो रहा है, तो हमें आनंद आ रहा है फैन चला के, ठीक है ना। तो यहाँ पे दैट रेशियो विल बी लेस देन 1.1, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करते हैं ब्लोअर की, जहां हम थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी डेवलप करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं ब्लोअर की, तो ब्लोअर इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अगर हम ब्लोअर की बात करेंगे तो ब्लोअर जो है वहां पे प्रेशर रेशियो जो है वो 1.12-2.3 तक चला जाता है। अगर ब्लोअर की बात करेंगे तो ब्लोअर में 1.12-2.3 तक जो है वो चेंज चला जाता है। अगर हम बात करते हैं हमारे कंप्रेसर की, तो याद रखिएगा कंप्रेसर कंप्रेसर तभी कहलाएगा, कंप्रेसर जो है वो कंप्रेसर सिर्फ तभी कहलाएगा जब P2/P1 का जो रेशियो है वो 2.3 से भी ऊपर निकल जाए। मतलब प्रेशर का चेंज जो है वो जब डबल से भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, तो तब जाके हम कहेंगे उसे कंप्रेसर। तो इसलिए याद रखिएगा, हर डिवाइस कंप्रेसर नहीं कहलाएगा, कुछ ब्लोअर कह दिया, किसी को फैन कह दिया, ठीक है ना। तो यहां पे हर डिवाइस कंप्रेसर नहीं है, कंप्रेसर सिर्फ वही है जहां पे प्रेशर का जो इंक्रीमेंट है वो कम से कम ट्वाइस से भी ज्यादा हो, ठीक है ना। तो जब तक ट्वाइस से 2.3 से ऊपर नहीं जाता है प्रेशर इंक्रीमेंट, हम उसे एज अ कंप्रेसर यूज नहीं कर रहे, समझो। उससे नीचे वो कोई ना कोई ऐसा ही डिवाइस है, छोटा मोटा डिवाइस जिससे हम थोड़ा बहुत चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू याद रखिए, अब 2.3 से ये कितनी बढ़ाई जाती है डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से हम इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं 2.3 से ऊपर। समझ आई बात, ये बेसिक सी बात में कोई समस्या नहीं किसी को, ठीक है ना। यहाँ पे इस बेसिक सी बात में किसी को कोई समस्या नहीं है। अब इसके अलावा जो हम हैं और भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कंप्रेसर का, मतलब इसके अलावा जो है हम कंप्रेसर को ऐसे भी बोल सकते हैं, ये तो हमने एक प्रेशर रेशियो के बेसिस पे बोल दिया, लेकिन हम कंप्रेसर को और चीजों के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ये तो हमने बोल दिया एक तरह से ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर रेशियो P2/P1, आपको पता है P2 हमारा आउटलेट प्रेशर है और P1 हमारा इनलेट प्रेशर है, तो इसके बेसिस पे तो हमने बोल दिया। नाउ वी कैन ऑल्सो से डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ प्रेशर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। तो हम यहां पे प्रेशर के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कंप्रेसर का, दैट इज लो प्रेशर कंप्रेसर, मीडियम प्रेशर। याद रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन से हमारी पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्लासिफिकेशन से बनते हैं। तो आप किसी भी चैप्टर को, आपको कितना भी डिफिकल्ट लगता हो, अगर आप छोड़ रहे हैं तो उस चैप्टर का क्लासिफिकेशन जरूर कर लें, चाहे उस चैप्टर को आप पूरा ना भी पढ़ें, लेकिन एटलीस्ट क्लासिफिकेशन जरूर कर लें, ठीक है ना। खासकर इस तरह के सब्जेक्ट्स में जैसे मशीन डिजाइन है, आपको पता है आप हर चीज नहीं तैयार करके जाओगे, लेकिन आप कुछ नहीं तैयार करके जाओगे तो एटलीस्ट उसका क्लासिफिकेशन कर लो। आप बियरिंग में कुछ नहीं पढ़ रहे तो बियरिंग का क्लासिफिकेशन कर लो। तो क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मीडियम प्रेशर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। तो मीडियम प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर कंप्रेसर एंड लो प्रेशर कंप्रेसर, इसके बेसिस पे भी हम एक रेंज बना लेते हैं।
तो रेंज लगभग वही स्टैंडर्ड रेंज है जो सब जगह हम लेते हैं, दैट इज अगर हम 10 बार तक कर रहे हैं, अप टू 10 बार तक प्रेशर हम लोग डील कर रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर लो प्रेशर कंप्रेसर। वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा लो प्रेशर कंप्रेसर के अंदर, 10 बार, 10 बार है, अप टू 10 बार। तो 10 बार के अंदर जो है वो लो प्रेशर कंप्रेसर के अंदर आता है। और अगर हम 10 से 80 तक चले जाते हैं, 10 to 80 bar चले जाते हैं, देन इट विल कम्स अंडर मीडियम प्रेशर कंप्रेसर। मीडियम प्रेशर कंप्रेसर, इफ बात करें हम हाई की, तो इट विल अबव अबव 80 bar, इट विल अबव 80 bar, कि 80 bar से भी ऊपर चले जाएगा, प्रेशर डील करेगा, तो तब हम बोलेंगे उसे हाई प्रेशर कंप्रेसर। समझे बात? तो याद रखना आसान है, दैट इज, ठीक है ना, 10 10 to 80 एंड अबव 80, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड 3 types ऑफ कंप्रेसर। नाउ नाउ एक क्लास इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं सबसे लास्ट में लिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आगे के हमारा कंप्लीट उसी में रहेगा सब कुछ। नाउ नेक्स्ट लिखे, ऑन द बेसिस ऑफ, अब एक क्लासिफिकेशन हम और लिख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसर का, ठीक है ना। पहले तो मैंने ये पहला वाला क्लासिफिकेशन नहीं है, पहला वाला तो समझो सिर्फ ये है कि हु विच वन इज कॉल्ड कंप्रेसर। पहले तो सिर्फ मैंने ये बताया कि कंप्रेसर कहेंगे किसे, तो हमने ये बोला कि जिसमें प्रेशर रेशियो जो है वो 2x से भी ऊपर चले जाएगा, 2.3 से ऊपर, तभी पहली बात। फिर उस कंप्रेसर में भी कैटेगरी कौन सी हो सकती है, तो हमने कहा प्रेशर को लेके, किस प्रेशर को वो हैंडल कर रहा है, तो वो लो मीडियम और हाई प्रेशर कैटेगरी हो सकती है। कि आपको आउटलेट प्रेशर, याद रखिएगा ये जो प्रेशर है ये आउटलेट प्रेशर्स हैं, ठीक है ना। इस आउटलेट प्रेशर को हम लोग डिफाइन करेंगे, किस प्रेशर को वो जो है वो चेंज कर रहा है, कितने प्रेशर तक वो बढ़ा के दे सकता है, ठीक है। अब यहां पे थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोग कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, अब कहीं ना कहीं इस चीज पे भी डिपेंड है कि कितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना, एयर कैपेसिटी उसके पास कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब होता है फ्री एयर डिलीवर्ड, एयर कितनी डिलीवर्ड कर सकता है, किस रेट से डिलीवर्ड कर सकता है, इस पे भी जो है वो डिपेंड करता है, फ्री एयर डिलीवर्ड, ठीक है ना। तो याद रखिए, अगर कम डिलीवर्ड कर रहा है तो उसे बोलेंगे हम स्मॉल कंप्रेसर। मतलब ये समझ लीजिए कितना वॉल्यूम पर मिनट के हिसाब से वो दे सकता है हवा को कंप्रेस करके, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे भी 3 कैटेगरी, दैट इज योर स्मॉल कंप्रेसर, स्मॉल कंप्रेसर, ठीक है, जो छोटा कंप्रेसर हुआ, मीडियम कंप्रेसर, मीडियम कंप्रेसर, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड, थर्ड वन इज कॉल्ड स्मॉल मीडियम एंड हाई कंप्रेसर, हाई कैपेसिटी कंप्रेसर, ठीक है, इसको कैपेसिटी ही बोलेंगे, हाई कैपेसिटी कंप्रेसर। समझे बच्चों बात? ठीक है, एक सेकेंड ना। चलिए बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां पे याद रखिए, अप टू 9 m³ पर मिनट अगर हम बोल रहे हैं, 9 m³ पर मिनट अगर हम बोल रहे हैं, दैट इज कम्स अंडर स्मॉल कंप्रेसर। अगर मैं 9 m³ पर मिनट तक कैपेसिटी बोल रहा हूं, तो दैट विल कम्स अंडर स्मॉल कंप्रेसर। लेकिन अगर ये कैपेसिटी में 9 से, अब देखिए कितना ज्यादा, 3000 तक ले जाऊं, 9 से 3000 m³, ये वॉल्यूम है पर मिनट, कितना वॉल्यूम डिलीवर्ड कर सकता है वो एयर का, तो उसकी एक कैपेसिटी है, तो वो आ जाएगा मीडियम कैटेगरी में, दैट इज 9 to 3000, ठीक है, 9 to 3000। और अगर मैं 3000 से ऊपर ले जाऊं, अबव 3000 m³ पर मिनट, देन इट विल कम्स अंडर हाई कैपेसिटी कंप्रेसर, देन इट विल कम्स अंडर हाई कैपेसिटी कंप्रेसर। तो ये याद रखिएगा, दैट इज 9, ठीक है ना, 9 अप टू 9,
9 to 3000 एंड अबव 3000। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, एक प्रेशर और एक कैपेसिटी के बेसिस पे आप इसे ध्यान रखें, क्योंकि ये डायरेक्ट छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकते हैं जो हमारी कैपेसिटी और प्रेशर के बेसिस पे कंप्रेसर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आई? दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसके बाद कंप्रेसर में बच्चों कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे रेसिप्रोकेटिंग को तो आसान है, रेसिप्रोकेटिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। रोटेटरी में दिक्कत आती है। रोटेटरी में दिक्कत क्या है कि रोटेटरी में जैसे सेंट्रीफ्यूगल एक्सियल कैलकुलेशन पार्ट वैसा ही है जैसे टरबाइन का था, कैलकुलेशन पार्ट वैसा ही, पर वर्किंग फ्लूड हमारा वाटर की जगह पे एयर हो गया है, तो कैलकुलेशन पार्ट में चेंजेस है नहीं। यहाँ पे जैसे हमारे पंप में थे वही सेम यहाँ पे भी कंप्रेसर में रहेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो बहुत मतलब टूटा फूटा है, इधर है उधर है, बहुत अच्छे से वो चीज़ें नोट करने वाली नहीं है। तो इसीलिए इस बार फिर भी मैं, क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किया लेकिन कुछ अच्छा कंटेंट मिला नहीं सेंट्रिफ्यूगल रोटेटरी में, लेकिन मैंने कहा था बच्चों को, पहले वाले बच्चों को भी कहा था कि जैसा भी कंटेंट मतलब जितना एट लेवल अवेलेबल है मेरे पास कंटेंट सेंट्रिफ्यूगल और एक्सेल के ऊपर उतना मैं आपको लिखा दूंगा प्रॉपर, ताकि आपका क्वेश्चन क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो पाए। लेकिन सेंट्रिफ्यूगल एक्सेल को हम बहुत ही डीपली नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत डीपली जाएंगे तो फिर वो पंप वम्प के सारे कंसेप्ट ट्राइंगल ट्राइंगल सब कुछ उस तरह से आ जाता है, तो मेरे को नहीं लगता वो कुछ ऐसा खास कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट तो है टॉपिक, मतलब क्वेश्चन तो आते हैं, देखिए तो जैसे क्वेश्चन आते हैं हम उसी तरह से समझेंगे। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग को आप आराम से प्रॉपर समझ सकते हो, रेसिप्रोकेटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसका कंटेंट जो है वो बिल्कुल आपका सामने ही रहेगा जो भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यह बात समझ में आ गई। नाउ नाउ अब एक क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह का समझिए आप, कि हमने कंप्रेसर की वर्किंग जो है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वर्किंग, ठीक है, हम तो कर तो कंप्रेस ही रहे हैं हम, लेकिन उस कंप्रेसर को भी हम किस तरह से कंप्रेस कर रहे हैं तो वो है उसकी वर्किंग। अब उसकी वर्किंग के बेसिस पे भी हम कंप्रेसर को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पे भी हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो देखिए ना ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इस पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। तो याद रखिए, जब हम कंप्रेसर की बात करेंगे तो कंप्रेसर की वर्किंग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एक हमारी कहलाएगी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से लिखता हूं मैं, थोड़ा मुझे जगह ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डोम कुंडवार वगैरह सब पढ़ी है बच्चों, डोम कुंडवार वगैरह पढ़ी है सब, नहीं मैं लिखाऊंगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि नहीं करूंगा, प्रॉपर कराऊंगा जितना होगा अवेलेबल, बढ़िया है ना, बीच में वीकेंड भी पड़ रहा है तो कंटेंट में अच्छा जुटाने की कोशिश करूंगा। अच्छे से मेरा मतलब पता है क्या होता है, अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी लिखा दूं आपको, कंटेंट तो मिल ही जाता है, अच्छे से मेरा मतलब होता है कि कुछ ऐसा कंटेंट लिखाऊं जो आपके देखते ही समझ भी आ जाए, ठीक है ना, मतलब वही है ना कि पूरी कहानी बहुत डिफिकल्ट भी हो तो उसका जो समरी है वो इतनी इजी हो कि जब मैं आपको बता रहा हूं तो आपके बिल्कुल क्लियर कट 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 समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो जब आपको कोई मेरा लेक्चर बहुत आसान लगता है, मान लीजिए आपका कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है यार ये तो कभी समझ नहीं आया, जैसे थ्योरी ऑफ फेलियर मानो कभी समझ नहीं आया, लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आपको, तो यार ये तो बहुत आसान है, तो आसान है नहीं है, वो अभी भी उतना ही डिफिकल्ट, लेकिन हमने उसे एक समराइज करके एक आसान लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर दिया है। तो कंप्रेसर में मैं अभी तक वो कर नहीं पाया कि इसको ऐसा समराइज कर दूं कि पॉइंट भी सारे आ जाएं, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो जाए कि मैं मुंह जबानी जब बता रहा हूं आपको सारे पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं, तो वो नहीं कर पाया। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ अभी थोड़ा सा और मुझे इजी कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है उसके पास, लिखा है, मैंने तो नोट्स भी बनाए अपने टाइम पे सारे, लेकिन मुझे ऐसा वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ ये कंप्रेसर है सेंट्रीफ्यूगल या ये एक्सेल है, बस इतना कर लो हो जाएगा, वो चीज कह रहा हूं बस। तो उसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, देखते हैं। नाउ मैं क्या कह रहा हूं, कंप्रेसर की जब हम बात करें तो मैंने उसे बेसिकली ये वाला क्लासिफिकेशन, बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना, बहुत बार, तो ये ध्यान रखिएगा। एक हमने बोला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, ठीक है, और एक होता है हमारा
एक होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड रोटरी और डायनेमिक कंप्रेसर, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक कंप्रेसर। डायनेमिक टाइप कर देता हूं। अब दोनों के पहले वर्किंग प्रिंसिपल में अंतर समझिए, ठीक है, उसके बाद, ठीक है ना, दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल में अंतर समझिए बच्चों। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप जो है वहां का मतलब होता है कि हम जो कंप्रेसर काम करेगा, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूं, वर्किंग क्या है इस तरह के कंप्रेसर की, इस तरह के कंप्रेसर की वर्किंग में क्या है, वी कंप्रेस द वॉल्यूम, वी मिनिमाइज द वॉल्यूम, डिक्रीजेस द वॉल्यूम एंड राइज इन दी प्रेशर, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां क्या करते हैं, हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं और उससे प्रेशर का इंक्रीमेंट करते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर का इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन जब यहां की वर्किंग की हम बात करते हैं, डायनेमिक टाइप की वर्किंग की जब हम बात करते हैं, तो याद रखिए डायनेमिक को हम रोटरी टाइप भी बोलते हैं, रोटरी टाइप, ठीक है। तो जब यहां की बात करते हैं तो यहां ऐसा नहीं है, यहां हम वॉल्यूम को कंप्रेस करके प्रेशर को राइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां हम क्या कर सकते हैं, यहां हम क्या कर सकते हैं, यहां हम कर सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू राइज इन प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, ठीक है, इन अ केसिंग और रेस्ट ऑफ, समझो इस चीज को क्या कह रहा है, इस वाले में हम क्या करते हैं, प्रेशर को राइज करते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करके, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी फ्लूड की उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करके राइज करते हैं, और जो बची हुई है उसको हम क्या करते हैं, मतलब थोड़ा तो हमने काइनेटिक को प्रेशर में कन्वर्ट करके कर लिया, और थोड़ा हमने क्या करा, थोड़ा हमने ये समझ लीजिए जो हमारी इसमें मेनली हमारा क्या है, हम रोटेट ही कर रहे हैं ना, हम रोटरी बोल रहे हैं तो लगभग कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, या तो हम अपनी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और बची हुई जो है वो डिफ्यूजर जैसा आइटम लगा के, क्योंकि डिफ्यूजर क्या करता है, वेलोसिटी को डाउन करता है, ठीक है ना, डिफ्यूजर ऐसा आइटम लगा के इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, समझ आई बात। तो यहां पे कन्वर्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी एंड रेस्ट ऑफ कन्वर्जन इज बाय डिफ्यूजर, ठीक है। तो एक तो हम क्या करते हैं, रोटरी एक्शन से काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो एक हम रोटरी एक्शन से प्रेशर एनर्जी को बढ़ाते हैं, और दूसरा जो है, ठीक है ना, दूसरा जो है हम डिफ्यूजर का यूज करके, डिफ्यूजर का यूज करके प्रेशर को डेवलप करते हैं। डिफ्यूजर यू ऑल नो व्हाट इज डिफ्यूजर, डिफ्यूजर का काम क्या होता है, डिफ्यूजर इज वर्क इज टू रिड्यूस वेलोसिटी, टू रिड्यूस वेलोसिटी एंड इंक्रीज इन प्रेशर, लाइक वी आर अप्लाइंग डिफ्यूजर इन, मैंने आपको बहुत बार एक बार पहले बताया था, थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखूं, ओके, मैंने एक बार बहुत बार पहले मैं आपको बताया था समरसिबल पंप, याद है आपको समरसिबल पंप, तो समरसिबल पंप क्या था, जो मैंने आपको एक बार अंतर बताया था, आपको ध्यान होगा, एक वीडियो दिया था मैंने आरआरबी के टाइम पे, समरसिबल पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बीच में, तो मैंने आपको वहां बताया था कि समरसिबल पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए आपको कल के दिन किसी स्किल टेस्ट में भी कोई पूछ लेता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप या जो भी नॉर्मल पंप है हमारा और समर्सिबल पंप, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप कोई मोटर जिसे हम कहते हैं उसमें और समर्सिबल पंप में यह अंतर है, ठीक
ठीक है ना, बेसिक से अंतर बता दो, अभी बात छिड़ी है तो बहुत जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या कि इफ दिस इज द ग्राउंड लेवल जहां से पानी को हमें लिफ्ट करना है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप जस्ट पुल द वॉटर एंड देन पुश इट। पुश मतलब ना बोल के बोले डिलीवर्ड, पुल द वॉटर एंड डिलीवर्ड, सक्शन ऑफ द वॉटर एंड डिलीवर्ड, दिस इज द वर्क वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना, सक्शन एंड डिलीवर्ड। ठीक है, तो इट इज अ पुलिंग एक्शन, पुलिंग एक्शन ऑफ वॉटर। ठीक है, बट इन समर्सिबल पंप एज इट इज इनसाइड द वॉटर, वो पानी के अंदर ही होता है, तो देर इज नो पुलिंग एक्शन, तो उसे कोई सक्शन नहीं करना है, देर इज नो सक्शन, इट इज जस्ट अ पुशिंग एक्शन। ठीक है ना, व्हेन इट इज इनसाइड वॉटर इट इज जस्ट हैव टू पुश द प्रेशर आउट, पुश द वॉटर आउट। तो याद रखिएगा, किस कोई अगर सिंपल सा आपसे पूछता है किसी भी स्किल टेस्ट में कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रिफ्यूगल पंप, नॉर्मल पंप जो हम यूज करते हैं, एंड द समर्सिबल पंप, जस्ट एक्सप्लेन इन वन लाइन, सेंट्रिफ्यूगल पंप इज वर्क ऑन द पुलिंग एक्शन ऑफ वाटर, इट इज जस्ट पुल द वाटर अप इन द ग्राउंड। ठीक है ना, बट समर्सिबल पंप इज इन साइड द वाटर, सो इट इज जस्ट वर्क ऑन पुशिंग एक्शन। ठीक है ना, तो यहां पे समर्सिबल पंप जो करता है वो सिर्फ प्रेशर बढ़ाता है, क्यों? तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हर, मैंने आपको दिखाया भी था एक बार, हर ब्लेड के बाद डिफ्यूजर लगे होते हैं। ठीक है ना, हर ब्लेड के बाद डिफ्यूजर लगे होते हैं, तो जैसे ही ब्लेड से फ्लूड निकलता है, वेलोसिटी बढ़ा के डिफ्यूजर उसे वेलोसिटी को कम करके प्रेशर को राइज करता है, तो ऐसे हर ब्लेड के बाद डिफ्यूजर लगे होते हैं, जैसे जैसे आगे चलता रहता है, बाय नंबर ऑफ डिफ्यूजर्स द प्रेशर विल राइज 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 एंड विद हाई प्रेशर इट विल पुश आउट बाय पुश आउट इन ग्राउंड। तो इस पे समर्सिबल, तो सेम इधर भी है कि हम प्रेशर कैसे राइज कर रहे हैं, या तो हम प्रेशर राइज कर रहे हैं उस रोटेटरी एक्शन से, या फिर हम प्रेशर राइज कर रहे हैं थोड़ा बचा हुआ जो है वो डिफ्यूजर से। ठीक है ना, तो जो वेलोसिटी हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं प्रेशर में वो कर लिया, उसके बाद जो वेलोसिटी बची है उससे हम डिफ्यूजर से प्रेशर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक से अंतर समझिएगा, वॉल्यूम का डिक्रीमेंट, प्रेशर राइज इन अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, इन रोटेटरी टाइप, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। ठीक है ना, हाउ वी कन्वर्ट दिस। ठीक है, समझिए बात। नाउ नाउ अब यहां पे हम लोग दो एक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ बेसिकली हम लोग दो एक्शन करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन में। ठीक है, क्लासिफिकेशन को मैं अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग तो और अच्छा सा बताऊंगा। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप में द मोस्ट ऑपरेटिंग डिवाइस वी आर यूजिंग दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है ना, तो इन विच वी नो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन होगा। अच्छा, डायनेमिक में जो लिखे हैं एक बार पढ़ दूं मैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, रोटरी टाइप को भी अभी छोड़ दो, जब बात करेंगे इसकी सिर्फ डायनेमिक टाइप लिखो आप। क्या लिखा है मैंने, कन्वर्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू राइज इन प्रेशर एनर्जी बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन इन अ केसिंग, और रेस्ट ऑफ कन्वर्जन इज बाय डिफ्यूजर, ये बोला मैंने। ठीक है, फिर से पढ़ दूं, कन्वर्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू राइज इन प्रेशर एनर्जी बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन इन अ केसिंग, और रेस्ट ऑफ कन्वर्जन इज बाय डिफ्यूजर। क्लियर है, ये हमने बोला। नाउ अब बाकी सब चीजें भूल जाइए। ठीक है, अभी बच्चों क्या करिएगा, जब मैं ये लिखा रहा हूं ना तो इसके नीचे स्पेस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी दोनों में क्लासीफाई के पॉइंट ज्यादा लिखाना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आप जानते ही नहीं है बहुत ज्यादा इनके बारे में, तो अभी मैं वो पॉइंट लिखाऊंगा तो वो रटने वाले पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जब आप समझ जाएंगे, जैसे हमने ना वाटर ट्यूब फायर ट्यूब के पॉइंट्स पहले नहीं लिखा है, लेकिन जब आप समझ गए तब लिखना, अपने आप ही हो गया आपके लिए आसान। तो ऐसे ही जब हम इसको और अच्छे से दोनों को समझ जाएंगे तब आप लास्ट में वो पॉइंट लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो नोट्स बना रहे हैं वो इसको अभी हाफ पेज इसमें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी टाइप के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे किस किस टाइप के हैं, तो ये रोटेटरी टाइप के कौन कौन से होते हैं, क्या क्या और टाइप आते हैं, वो सब बाद में बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो अभी सिर्फ ये समझो कि हम एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप जो है, क्योंकि किसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं, किसमें कम होते हैं, किसमें क्लीन एयर मिल सकती है, किसमें नहीं, वो सब पॉइंट्स हम वहां पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि तब आप इनके बारे में जानते होंगे तो वो पॉइंट्स मुझे समझाने नहीं पड़ेंगे, बस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस बिटवीन जो होगा ये हमने बस स्टार्ट किया है, बाकी इसके नीचे का हाफ पेज लगभग जो है वो छोड़ दीजिएगा, मतलब हाफ पेज अगर आपने स्टार्ट किया है तो हाफ पेज छोड़ दीजिए, और हाफ ही पेज में लिखा है तो अगला पेज छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये छोड़ दीजिएगा। नाउ वी आर जस्ट स्टार्ट विद पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, तो अभी हम सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना,
बस यह है कि डायनेमिक में आप एक टाइप लिख लीजिए अगर चाहें तो, जैसे हमने यहां रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लिख लिया, डायनेमिक में आप लिख लीजिए सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल, बस इतना लिख के छोड़ दीजिए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल लिख लीजिए। पॉजिटिव का अभी मीन क्या है बात कर लेते हैं अभी, अब तो यही कर रहे हैं हम। तो याद रखिए मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं रेसिप्रोकेटिंग, बहुत आसान है बच्चों इसको समझना और इससे क्वेश्चन आते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। नाउ देखिए, वी ऑल नो दैट, यहां पे मैं आपको दो तरह से कंप्रेसर बताऊंगा, दो तरह की साइकिल यहां पे एक्सप्लेन करूंगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, ठीक है? तो दोनों साइकिल्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। नाउ वी ऑल नो दैट कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। व्हाट टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पिस्टन, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पिस्टन। कि वी हैव अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, वी हैव सम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इन दिस, इन दिस, इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वी जस्ट पुश द पिस्टन, वी जस्ट पुल और पुश द पिस्टन बाय सम क्रैंक मूवमेंट, ठीक है ना? और क्रैंक मूवमेंट कहां से हो रहा है? ऑब्वियस ही बात है, इट इज अ कंप्रेसर, सो वी हैव टू रन दिस, है ना? ये कंप्रेसर है तो हमें ही किसी शाफ्ट पावर से इसे घुमाना पड़ेगा, मतलब हमें ही पावर देनी है, याद रखिए ना, इसको चलाने के लिए हमें वर्क करना है, इट इज अ कंप्रेसर, नेगेटिव वर्क, तो वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, है ना? हमें वर्क करना है, हमने कंप्रेसर से क्रैंक को चलाया, शाफ्ट पावर दी, क्रैंक को चलाया और उससे जो है वो पिस्टन हमारा मूव करेगा। और वी ऑल नो दैट देयर इज सम वॉल्व, तो जब हम स्टडी कर रहे हैं तो दीज नॉट टाइमिंग वॉल्व, दीज आर नॉट टाइमिंग वॉल्व, ठीक है? दीज आर नॉट टाइमिंग वॉल्व, दीज आर नॉट टाइमिंग वॉल्व, याद रखिएगा। टाइमिंग वॉल्व क्या होती है? जो टाइमिंग के हिसाब से अपने आप खुलती है, ठीक है ना? ये टाइमिंग वॉल्व नहीं होती, ये कैसी होती है? ये हमारी प्रेशर डिफरेंस, ऑपरेटेड बाय प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस से ऑपरेट होंगी, ठीक है ना? तो ये जो इनका वर्क होगा वो प्रेशर डिफरेंस के कारण होगा, मतलब अंदर जब लो प्रेशर क्रिएट होगा बाहर हाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली अंदर को खुल जाएगा, ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड इनलेट वॉल्व एंड दैट इज कॉल्ड एग्जिट वॉल्व, ठीक है? तो इनलेट एंड एग्जिट वॉल्व किस टाइप का होता है यहां पे? इनलेट एंड एग्जिट वॉल्व्स आर प्रेशर डिफरेंस वॉल्व्स, दीज आर प्रेशर डिफरेंस वॉल्व, दीज आर नॉट टाइमिंग वॉल्व्स, ठीक है? समझ आई बात? नाउ अब यहां पे समझिए सिंपल बेसिक सी बात, कि ऑब्वियस बात है, चला कंप्रेसर, यहां पे पिस्टन इधर गया, देयर विल बी अ वैक्यूम क्रिएटेड ओवर देयर एंड सक्शन होगा, एयर विल एंटर, देन इसके सेकंड उसमें क्या होगा? इट विल कंप्रेस द एयर, देन डिलीवरी वॉल्व विल ओपन एंड एयर विल गो आउट, सिंपल, दैट इज अ सिंपल मैकेनिज्म इन विच वी कंप्रेस द एयर, इन विच, भाई एक चैनल भी बना होगा इसका, वी कंप्रेस द एयर, मिनिमाइज इट्स वॉल्यूम एंड राइज द प्रेशर। नाउ अब समझना जरूरी है कि यहां पे इसकी वर्किंग को, तो मैं सबसे पहले वर्किंग बता रहा हूं कुछ ऐसा, डायग्राम समझिएगा, ठीक है? ग्राफ दिख रहा है प्रॉपर नीचे, कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, डायग्राम समझिएगा क्योंकि यही है सब कुछ आखिरी में। इफ दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज द वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, तो याद रखिएगा पहला मैं कर रहा हूं जो कैलकुलेशन वो है विदाउट टेकिंग एनी क्लियरेंस, ठीक है? ऊपर बना देता हूं, याद रखिएगा, मैं निकाल रहा हूं वर्क इनपुट टू कंप्रेसर विदाउट एनी क्लियरेंस या विदाउट टेकिंग क्लियरेंस। तो याद रखिए मैं इस केस में कोई क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं लूंगा, ठीक है ना? मैं पहला केस में कोई क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं लूंगा, आपके पास दोनों केस आते हैं, लेने वाले भी और नहीं लेने वाले भी, तो मैं दोनों बताऊंगा आपको कि क्या फर्क आएगा कैलकुलेशन में, क्या फर्क रहेगा, ठीक है?
दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस इज द प्रेशर, ठीक है। इफ वी आर नॉट टेकिंग क्लियरेंस तो फर्क ये आता है कि वी विल स्टार्ट अवर प्रोसेस विद जीरो, हम जीरो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे प्रोसेस को, बिकॉज वॉल्यूम में हमें क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं लेना है, मतलब कुछ नहीं छोड़ना है, मतलब पिस्टन जो है बिल्कुल एंड से स्टार्ट होगा, यहां से टॉप डेड सेंटर से। तो ऑब्वियस ही बात है इट्स अ हाइपोथेटिकल, बट ये मैक्सिमम के लिए हम लोग कर रहे हैं कि जब सारा का सारा एयर जो है अंदर आए पूरे सिलेंडर में तो क्या होगा। तो ऐसे में हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट पहला यहां से स्ट्रोक हमने लिया, तो यहां से पिस्टन चलना शुरू हुआ, ये वॉल्यूम कवर करता गया, सक्शन किया, ये यहां तक सक्शन किया, ठीक है। नाउ वी ऑल नो दैट कि जीरो से लेके यहां तक मान लीजिए सक्शन किया, तो इतना जो है हमने क्या किया, इतना पिस्टन जो है वो स्वैप्ट किया, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक हम लोग चले हैं पिस्टन को सक्शन करा के, ठीक है, समझ आई बात। तो मान लीजिए दिस इज द प्रोसेस नंबर वन, वन तक हम लोग चले हैं, तो दिस इज द वॉल्यूम वी वन, ठीक है। नाउ अब क्या है, अब यहां पे प्रोसेस हमने कोई भी प्रोसेस हो सकती है, अब कंप्रेसर हम कर रहे हैं तो इट कंप्रेसर कैन बी आइसेंट्रॉपिक, ठीक है। कंप्रेशन जो है वो आइसेंट्रॉपिक हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल नहीं हो सकता आइसोथर्मल, लेकिन हम मान रहे हैं कि आइसोथर्मल भी हो सकता है, ठीक है। लोगो हटा दो, ओके एक सेकेंड है, ठीक है ठीक है। और आइसोथर्मल, आइसेंट्रॉपिक और थर्ड वन कैन बी पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक मतलब एनी प्रोसेस, ठीक है। अब ये केस हमारे पास पेपर में जो है वो कोई भी हो सकता है कि आइदर इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन, फर्क क्या आता है एन की वैल्यू में। यू ऑल नो दैट द इक्वेशन इज पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो यहां पे एन का वैल्यू क्या रहेगा, आइसोथर्मल है तो वन रहेगा, आइसोथर्मल है तो एन का वैल्यू वन रहेगा, ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स सब जानते हैं। एन एन का वैल्यू आइसोथर्मल है तो वन रहेगा, पॉलीट्रॉपिक है तो कोई एन ही रहेगा, और आइसेंट्रॉपिक है तो गामा रहेगा, ठीक है। तो इट इज कैन बी आइसेंट्रॉपिक को एडियाबेटिक भी लिख के दे सकता है वो, तो इट कैन बी आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, आइसेंट्रॉपिक। तो इन जनरल हम लोग पॉलीट्रॉपिक मान लेते हैं एन की केस में, अब वो एन कुछ भी हो वो चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग पॉलीट्रॉपिक मान लेते हैं कि कोई पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन हो रहा है, इतनी बात समझ में आई। तो इन जनरल हम लोग कोई पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन मान लीजिए मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे मान रहे हैं कि यहां से पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन हुआ, कितना हुआ, कुछ यहां तक हुआ मान लीजिए टू पॉइंट तक, तो वन से टू क्या हुआ हमारा, कोई पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन हुआ। तो हम मान लेते हैं पीवी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे कोई कंप्रेशन प्रोसेस हुई हमारी कुछ इस तरह से, कहां से वी वन वॉल्यूम से कितना कंप्रेस हुआ यहां पे वी टू वॉल्यूम तक, ठीक है। V1 से V2 वॉल्यूम तक कंप्रेस हुआ, बाकी जैसे ये सक्शन है, सक्शन है, कंप्रेशन है ना, सक्शन है, कंप्रेशन है, और ऐसे ही ये लास्ट में डिलीवर्ड हो गया, ठीक है। फिर वापस प्रोसेस वही स्टार्ट, तो ये सक्शन, कंप्रेशन, डिलीवर्ड, सक्शन, कंप्रेशन, डिलीवर्ड, ठीक है। ये बेसिक सी बात हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है ना भाई। आइसोबैरिक क्या है यार, आइसोबैरिक होगा तो मतलब प्रोसेस ही में हम क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस में हम वॉल्यूम का डिक्रीमेंट कर रहे हैं और प्रेशर का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और तुमने दोनों ही नाम ये पकड़ लिया कि सर आइसोकोरिक हो जाएगा क्या, आइसोकोरिक हो जाएगा तो वॉल्यूम का डिक्रीमेंट कैसे करोगे। तुमने कहा सर आइसोबैरिक हो जाएगा क्या, आइसोबैरिक हो जाएगा तो कंप्रेसर का काम ही क्या है फिर, समझ रहे ना। आइसोबैरिक कंप्रेशन करवाओगे तो फिर प्रेशर चेंज ही कहाँ हो रहा है, फिर कंप्रेस क्यों कर रहे हो, फिर तो तुम बेवकूफ बना रहे हो। तो ऐसे चीजों को सिंपली समझिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो बाकी बची हुई प्रोसेस है वो तीनों प्रोसेस है, वो तीनों हमने बोल दिया कि इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात, कैलाश ने जवाब दे दिया है उस चीज का, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है। तो यहां पे अगर हम देखें तो अब ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूं, ठीक है, हम कैलकुलेट नहीं करने वाले। यहां पे हम इन तीनों के लिए वर्क लेते हैं बच्चों, इन तीनों के लिए हम वर्क लेते हैं। मान लीजिए दिस इज प्रेशर पी वन एंड दिस इज प्रेशर पी टू, ठीक है, ये प्रेशर पी वन है और प्रेशर पी टू है।
नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट वर्क बाय एडिंग द एरिया, ठीक है ना, यू कैन इजिली कैलकुलेट वर्क बाय एडिंग द एरिया। एडिंग द एरिया मतलब आप एरिया अंडर कर्व भी ले सकते हो। देखो एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ पी वन इंटू वी वन, यहां तक का वॉल्यूम क्या है वी वन, तो वी वन इंटू पी वन, एक वर्क ये हो गया पी वन वी वन, एक वर्क हो गया आपका कंप्रेशन का, दैट इज कंप्रेशन वर्क, ये वाला। इसका वर्क कैसे निकालोगे, यू ऑल नो दैट कि अगर कंप्रेसर वर्क है, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं, जैसे इसका वर्क क्या हो गया पी वन वी वन, इस रीजन का एरिया क्या हो गया पी वन वी वन, एक ऐसी समझने के लिए बता रहा हूं आपको, इस रीजन का एरिया क्या हो गया पी वन वी वन, ठीक है, इस रीजन का एरिया, क्योंकि ग्राफ से सबसे आसान है समझना, देखो इस रीजन का एरिया पी वन वी वन, इस रीजन का एरिया बता दो, इस कंप्लीट रीजन का एरिया वर्क डन का, तो अगर ये पॉलीट्रॉपिक वर्क डन है तो व्हाट इज द पॉलीट्रॉपिक वर्क डन एरिया बताओ। अगर मैं इसे नाम दे देता हूं इसका, तो दैट इज पी वन वी वन, इसका बताएंगे तो पॉलीट्रॉपिक एरिया वर्क क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक एरिया वर्क आपको याद होगा, दैट इज पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन, सिंपल, दैट इज अ पॉलीट्रॉपिक वर्क डन, ठीक है, समझ आई बात। नाउ थर्ड हमारा एरिया क्या होगा बताओ, एक और पेन यूज करें, चलो इसको ब्लैक रेड ले लेते हैं, एरिया क्या होगा, क्योंकि एरिया से निकालोगे तो सबसे आसान है, देखो ये हुआ कुछ, एरिया दिखाई दे रहे हैं, देखो तीन एरिया दिखाई दे, ये क्या हुआ, ये बड़ा रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ, पी टू इसकी हाइट है और वी टू इसका विड्थ है। तो देखो अब यहां पे बहुत आसानी से बच्चों, इसको तो हटा दो, बहुत आसानी से आप वर्क आउटपुट निकाल सकते हो, वर्क आउटपुट निकाल सकते हो कैसे, देखो मैं अलग अलग बता रहा हूं पहले, ठीक है, नीचे का सक्शन के लिए वर्क कितना हुआ पी वन वी वन, ठीक है, दिख रहा है सामने, ठीक है, डिलीवरी के लिए वर्क कितना, या कंप्रेसर के लिए वर्क कितना हुआ। अब देखो कंप्रेसर एक नेगेटिव वर्क है बच्चों, अगर आप नेगेटिव वर्क को लेके चलोगे तो फिर वहां पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है भाई, ये तो हम पॉजिटिव वर्क लेते हैं ना, ये तो हम पॉजिटिव वर्क लेते हैं, लेकिन हमें पता है हमने प्रेशर को बढ़ाया है, तो आपकी मर्जी है, आप वहां नेगेटिव यूज करके, वहां नेगेटिव यूज करके इसको पी वन वी वन वी माइनस वी टू अपॉन एन माइनस वन लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, या आप ये चीज यहीं चेंज कर सकते हो कि भाई ये अंडरस्टैंड, तो इसलिए मैंने तो सिर्फ फॉर्मूला आपको बताया कि फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना, आपका किसका पॉलीट्रॉपिक वर्क डन का, लेकिन यहां पे तो हम वर्क दे रहे हैं ना, तो इट शुड बी नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो मैं इसको उल्टा लिख लूंगा यहीं पर, चाहे तो यहां पे लिख लो या वहां पे लिख लो, मर्जी है आपकी। तो अगर मैं इसे पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन भी करता हूं तो भी, ठीक है ना, तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन एन माइनस वन, तो यहां नेगेटिव फिर लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन एन माइनस वन, तो ये आपकी मर्जी होगी, ठीक है, कि नेगेटिव वर्क लेके चलो या वहीं पर आप चेंज कर दो, ठीक है, पहली बात, ठीक। और थर्ड हमने बोला डिलीवरी के लिए, तो दैट इज योर पी टू वी टू। अब आप देखो, अब आप देखो, अब मैं इस फॉर्मूले को लिखूं, टोटल वर्क इनपुट में लिखूं तो कितना वर्क मेरा गया, टोटल वर्क इनपुट में लिखूं तो कितना वर्क मेरा गया। अब आप एरिया देखो प्लीज, सब लोग इधर ध्यान दें, जो दाएं बाएं देख भी रहे हैं इधर ध्यान दें, जो कमेंट पढ़ भी रहे हैं इधर ध्यान दें, देखो सब इधर ध्यान दें कि ब्लू वाला जो एरिया है देखो वो ऑलरेडी इसमें और इसमें कवर हो गया, ठीक है ना, ब्लू वाला जो एरिया है वो ऑलरेडी इसमें और इसमें कवर हो गया। तो जब मैं बात कर रहा हूं डिलीवरी की, तो डिलीवरी में सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है, जब मैं बात कर रहा हूं कंप्रेशन तो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, तो इस वाले हिस्से को माइनस करना जरूरी है, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी इनमें आ चुका है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, इसलिए सिंपल क्या है कि सक्शन वाला जो है वो आप एरिया घटा दोगे, क्योंकि वो इस प्रोसेस के अंदर वैसे भी आ रहा है, तो आप ये बोलोगे कि इस पूरे में से, इस प्लस ये प्लस में से ये माइनस कर दो, तो फिर सिर्फ इतना इतना आएगा, ठीक है ना, एरिया इंक्लूड, क्योंकि है तो ये साइकिल ना, है तो ये साइकिल, और दोनों में अंतर क्या होता है, प्रोसेस और साइकिल में अंतर क्या होता है, जब प्रोसेस की बात करते हैं, जब हम सिर्फ प्रोसेस की बात करते हैं तो एरिया अंडर कर्व आता है, ठीक है ना, एरिया अंडर कर्व आता है तब तो ठीक है, लेकिन जब हम साइकिल की बात करते हैं, यू ऑल नो दैट कि जब हम साइकिल की बात करते हैं, ये साइकिल है भाई, तो साइकिल में सिर्फ साइकिल का इंक्लोज्ड एरिया आता है,
मानते हैं सब ये बात, ठीक है ना? तो हमें ये सिर्फ इनक्लोज एरिया चाहिए, सिर्फ इसके अंदर वाला। तो इस पूरे में से ये प्लस ये माइनस ये कर देंगे तो इनक्लोज एरिया आ जाएगा, बस यही करेंगे। तो इसीलिए जो हमारा फिगर बनता है वो क्या बनता है, पी टू वी टू डिलीवरी वर्क प्लस कंप्रेसर वर्क, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन एन माइनस वन माइनस पी वन वी वन। समझ आई बात, ठीक है ना? तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, आप समझ जाएं अपने आप डायग्राम से सब समझ में आ रहा है कि क्यों माइनस किया। नहीं तो फिर इसको एक्सप्लेन करते रहते हैं आप कि भाई ये नेगेटिव क्यों आया, ये सक्शन था, ये मुझे कराना पड़ेगा, सब कुछ तो मुझे ही कराना है, तो वहां से इतना बात ढंग से क्लियर होगी नहीं। तो सबसे बेस्ट है कि आप डायग्राम से समझ जाएं, समझ गए ना? इट्स अ साइकिल, तो एनक्लोज एरिया लेना, एनक्लोज एरिया लेना है तो मुझे ये माइनस करना पड़ा, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए ये एरिया कंप्लीट आ रहा था, इस प्रोसेस के लिए ये एरिया कंप्लीट आ रहा था। तो पी टू वी टू जब मैं बोलता हूं तो पूरा रेक्टेंगल का एरिया आता है ना? और ये जब कंप्रेसर कर लेता हूं तो पूरा आता है। तो फिर पी वन वी वन की स्ट्रिप को मैंने माइनस कर दिया तो अपने आप एनक्लोज एरिया आ गया साइकिल के लिए। समझ आ रही बात? तो दिस इज वर्क इनपुट, ठीक है ना? तो अब इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वापस वही है पी टू वी टू। क्या करोगे, देखो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन करोगे, ठीक है? ये पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन आएगा, इसको कॉमन ले लोगे तो वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन आएगा, है ना? एन माइनस वन प्लस वन करोगे तो एन अपॉन एन माइनस वन आएगा। तो यहां पे अब ये कहानी चलती रहेगी, ठीक है? पी टू वी टू, और फिर उसको और कन्वर्ट करोगे, पी वन वी वन कॉमन लोगे, तो ये अब अच्छा खासा डेरिवेशन हम लोगों का करना है, ठीक है ना? तो मैंने आपको सिर्फ स्टार्टिंग बता दी कि कैसे होगा, ठीक है? सिर्फ स्टार्टिंग बता दी कैसे होगा। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं कि वर्क डन पर सेकेंड क्या है, भाई तीन क्लोज एरिया नहीं है, वो कंप्लीट साइकिल है, ये भी तो बंद है ना पूरा, ये साइकिल है। यहां से भाई पिस्टन वापस भी तो आएगा, डिलीवरी करके अपनी जगह पे वापस आ रहा है ना, तो ये साइकिल है पूरी, ठीक है? तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो यहां पे अब समझ लीजिए वर्क डन, ठीक है? अब जो बता रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना? ये समझ के कहानी पूरी, अब मैं ऊपर लिख देता हूं कि अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है, क्योंकि ये डेरिवेशन से कोई अब लेना देना नहीं है। मैं समझ बता दिया ना कैसे कैसे होगा आगे। तो वर्क डन पर साइकिल, देखो ना क्यों निकाल रहा हूं मैं साइकिल, इसलिए तो वर्क डन पर साइकिल फॉर रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम। तो वो इनपुट वर्क पर साइकिल क्या होगा, तो याद रखिए बच्चों, एन अपॉन एन माइनस वन, एन अपॉन एन माइनस वन, पी वन वी वन, पी वन वी वन ब्रैकेट में पी टू अपॉन पी वन। मैं प्रेशर रेशियो के टर्म में लेके आता हूं इसे ना, तो ये सब यहीं से करना, बहुत इजी डेरिवेशन बच्चों, जरूरत पड़ेगी तो तब कर लेंगे आप सब्जेक्टिव के टाइम पे, कोई समस्या नहीं है। एन माइनस वन अपॉन एन, मैंने बोला हुआ है पहले भी, आप ऑब्जेक्टिव निकाल के मुझे दो, जिसको भी ऑल ओवर इंडिया जिसको भी सब्जेक्टिव की समस्या रहेगी, मतलब सब्जेक्टिव निकालना होगा, सिर्फ मेरे पास एक हफ्ता गुजार लेना, ठीक है? ऑनलाइन ही ऑफलाइन जैसा भी आपका सब्जेक्टिव, अगर हालात ठीक हो गए तो मैं सब सब्जेक्टिव वालों को ऑफलाइन बुला लूंगा, और मुश्किल से 15 से 20 दिन मुझे दीजिएगा आप लोग, 15 से 20 दिन के लिए कहीं आपका इंतजाम कर देंगे ऑफलाइन वाले जितने भी हैं मैकेनिकल के, 15 से 20 दिन आप सब्जेक्टिव के लिए आ जाएगा दिन रात एक करके, मात्र 15 से 20 दिन बस, और सब्जेक्टिव सबका निकल जाएगा, ये गारंटेड है। बट ऑब्जेक्टिव निकाल के दो भाई पहले, ठीक है ना? सब्जेक्टिव के लिए अगर मुझे कल के दिन ऑफलाइन भी करना पड़ा, भले मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है अभी, लेकिन कर लेंगे सब, यहीं लेट जाएंगे सब, लेकिन कंफर्म निकल जाएगा कंफर्म। बट ऑब्जेक्टिव के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए अभी फिलहाल दिमाग में फोकस सिर्फ ऑब्जेक्टिव रखो, सब्जेक्टिव समस्या नहीं है, सब्जेक्टिव निकाल लेंगे आराम से, ठीक है? समझ आई बात, ठीक है? समझ आई बात, बस इतना हॉल है हमारा यहाँ पे कि यहीं पर लेट के हम पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो एन अपॉन एन माइनस वन पी वन वन पी टू वन पी वन एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन सिंपल है। तो ये आपको सिंपली ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना? दिस इज पर, दिस इज रखे, दिस इज फॉर वन साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए लिखा मैंने, जब एक साइकिल कंप्लीट हुई तो दिस इज फॉर वन साइकिल, फॉर वन साइकिल पर साइकिल के लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो एक और चीज याद रखिएगा, पी वन वी वन की जगह पे आप एम आर टी वन भी लिखेगा, एम आर टी वन, ठीक है? पी वन वी वन की जगह पे अगर टेम्परेचर दिया होगा तो एम आर टी वन भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पी वन वी वन की जगह पे एम आर टी वन भी हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है? तो दैट इज एम आर टी वन पी वन वी वन, ठीक है? समझ गए ना, लिख सकते हो, ठीक? और लिखते भी हैं कई बार फॉर्मूले में जनरली। नाउ अब याद रखिए, अगर मुझे दी होगी नंबर ऑफ साइकिल्स की, मतलब इतने रिवोल्यूशन के लिए निकालना है, तो सिर्फ इतना करिएगा, ठीक है ना? अगर नंबर ऑफ साइकिल इज गिवन फॉर एन रिवोल्यूशन, अगर एन रिवोल्यूशन के लिए दिया है, तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई एन अपॉन एन माइनस वन
पी वन वी वन, पी टू अपॉन पी वन, पी टू अपॉन पी वन तो समझ रहे हैं ना क्या है, पी टू अपॉन पी वन इज जस्ट द प्रेशर रेशियो, पी टू अपॉन पी वन मैक्सिमम प्रेशर कितना हम लोग ले रहे हैं आउटलेट और इनलेट प्रेशर का रेशियो है ना, इट इज जस्ट प्रेशर रेशियो, ठीक है, पी टू अपॉन पी वन, ठीक है ना, दैट इज पी वन वी वन पी टू अपॉन पी वन माइनस वन, क्लियर है, समझ आ गई बात, ठीक है ना, पी टू अपॉन पी वन एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, दैट्स इट, समझ आई बात, इन टू क्या करना है नंबर ऑफ रिलेशन, दैट इज एन बाय सिक्सटी, एन बाय सिक्सटी, समझ आ रही बात, बस दैट्स इट, एन बाय सिक्सटी, दैट्स इट, सिंपल, ये रहेगी बच्चों कहानी इसकी, सिंपल बेसिक सी, ठीक है, कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है, तो बस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन साइकिल के देखा कि इतनी साइकिल्स हो रही है मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, अगर आपको बोल रहा है इतना वर्क हो रहा है फॉर वन साइकिल इसको लिख देना, बस ये दो फॉर्मूले याद रखो, विदाउट क्लियरेंस के लिए कोई समस्या नहीं आएगी आपको, बताइए कोई दिक्कत, ठीक है ना, हो गया समझ में आ गया, क्लियर है, और बच्चों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सोचेगा मैं सर तो जोश जोश में भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, जोश जोश में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ कि अभी रियली में आप लोग जो है, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, मैं रियली में आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग जो है, भले ही मुझ पर बाद में बहुत लोग बोलते हैं यार दोस्त लोग, क्योंकि अब तो यार दोस्त ही सलाह दे सकते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहा है वैसा क्यों, पर मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, क्योंकि बोल दूंगा तो फिर वो बोल दूंगा कि भाई आप लोग 100% अपना फोकस पूरा ऑब्जेक्टिव में दो, ठीक है, सब्जेक्टिव की अभी टेंशन मत लो, नोट्स बना लो बस, जो पेड में है या कहीं पर भी है वो नोट्स अच्छे से बना लो, जिन जिन चीज़ों के डेरिवेशन कराता हूँ वो अच्छे से लिख लो, पर नोट्स बना के पूरा फोकस ऑब्जेक्टिव में रखो, जिस दिन आपको ऑब्जेक्टिव निकला और आपको पता है कि 2 से 3 महीने बाद सब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना, आप कुछ मत करना, आप कॉन्टैक्ट करना, हम यही प्लेटफॉर्म पर ही होंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे और कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं करेंगे, जितना आपका रहने का, मानो अगर ऑफलाइन की जरूरत पड़ी तो, अगर ऑनलाइन काम चल जाएगा तो बहुत अच्छा, ऑनलाइन तो जैसा चल रहा है फिर मैं ऐसे ही शुरू कर दूंगा, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि अगर ऑफलाइन तब तक माहौल सही हुआ सब कुछ हुआ और ऑफलाइन की जरूरत हमें पड़ेगी कि नहीं यार जाना करना पड़ेगा सामने बैठ के, तो कुछ नहीं, जो खाना रहना रहना, अगर यहीं सामने मेरे बैठ के रह लोगे तो रह लोगे, नहीं तो खाना रहना जो होना है, बस एकमात्र वो खर्चा हम लोग करेंगे, जितना आप खाओगे जितना आप रहोगे बस दैट्स इट, उसके अलावा 1 रुपया ऊपर मुझे नहीं चाहिए होगा, हम पेपर निकाल के देंगे कैसे भी करके, ठीक है ना, समझ आ रही बात, और जो मैं खाऊंगा बस वही खाना और क्या, नहीं खाऊंगा मैं भी व्रत रखूंगा तुम भी व्रत रखना, ठीक है, मतलब जैसा मैं रहूंगा वैसा रहना, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा जब भी इन फ्यूचर मौका लगेगा तो हम जरूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, इसलिए वो दिमाग से बिल्कुल टेंशन उड़ा दो कि आपको सब्जेक्टिव में कोई समस्या आने वाली है, ये बिल्कुल दिमाग छोड़ा दो, जब ये उड़ा दोगे फिर पूरा फोकस आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा, इसलिए पूरा फोकस सिर्फ ऑब्जेक्टिव का करके रखो, बाकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है, इतना समय हमारे पास रहता है, समझ आ गई बात, तो ये है बच्चों सिंपल साइकिल हमारे पास, जब हमने क्या बात करी क्लियरेंस तक की, ठीक है ना, क्लियरेंस तक की, ओके ओके, नाउ नाउ अब बात करते हैं विद क्लियरेंस, क्योंकि अब अंतर आने वाला है, ठीक है, अब अंतर आने वाला है कि अगर मैं क्लियरेंस को लूंगा विद क्लियरेंस वॉल्यूम तो क्या अंतर आने वाला है, नाउ समझो, अब बात करते हैं वर्क इनपुट, ठीक है ना, जो वर्क डन पर साइकिल टू कंप्रेसर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, कंप्रेसर विद क्लियरेंस, नाउ अब कैलकुलेशन में देखिएगा, अब यहां पे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं कि कैलकुलेशन क्या होगी, ठीक है, हाँ पावर रिक्वायर्ड टू रन कंप्रेसर होगा, ठीक है ना, अभी लॉसेस नहीं है इसमें, क्योंकि पावर और उसमें क्या बीच में है ना, कंप्रेसर चलाने, कंप्रेसर को क्या चाहिए और हम क्या दे रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, शाफ्ट है, तो शाफ्ट पावर और इसकी पावर में बस अंतर जो होगा दोनों की पावर में, जो हमें चाहिए और जो हम दे रहे हैं उन दोनों में जो अंतर होगा वो सिर्फ लॉसेस का होगा बच्चों, ठीक है ना, जिसको मैकेनिकल लॉसेस बोलते हैं ना, तो वो मैकेनिकल लॉसेस अभी हमने नहीं लिया है, ठीक है ना, वो मैकेनिकल लॉसेस लेंगे
तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर ये सेम ही है, ठीक है। तो दोनों में अंतर सिर्फ मैकेनिकल लॉसेस का है, ठीक है, समझ आई बात, समझ आई बात, क्लियर है। सर आपका दिल बड़ा है, दिल नहीं बड़ा है, हमारा टारगेट बड़ा है, समझे, और तुम्हारा भी टारगेट बड़ा होना चाहिए। नाउ अब देखो, क्लियरेंस वॉल्यूम को जब मैं लेता हूं तो इसका मतलब है कि मान लीजिए दिस इज द सिलेंडर, अगर ये सिलेंडर है, ठीक है, और अभी तक मैं क्या कर रहा था, पूरा पिस्टन को लेके चल रहा था, पूरा वॉल्यूम V1 मतलब V1 था, है ना, तो V1 मतलब V1 था। अब यहां पे ऐसा नहीं, अब यहां पे इतना तो हमने खींच दिया क्लियरेंस, अब ये है क्लियरेंस कि इतने में पिस्टन एंटर नहीं करेगा, तो मतलब सक्शन में ये इंक्लूड नहीं होगा, तो सक्शन सिर्फ इतना होगा, तो दिस इज क्लियरेंस, तो दिस इज स्वैप्ड वॉल्यूम, तो जितने में पिस्टन चलेगा उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, स्वैप्ड वॉल्यूम, वी एस, दैट इज कॉल्ड स्वैप्ड वॉल्यूम। तो अब इतने हिस्से में ही पिस्टन चलेगा, जितने हिस्से में पिस्टन नहीं चल रहा है दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम, वी सी, दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, समझ आई बात इतनी। तो ये VC और VS आपको समझ में आया, तो नाउ अब इस VC और VS के बीच में, ठीक है, समझ रहे ना, और ये हमारा वो तो समझते हैं ना आपकी, ये दैट इज अ स्ट्रोक लेंथ, ये स्ट्रोक लेंथ है और ये बोर डाया है, मतलब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे ना, बोर डाया और स्ट्रोक लेंथ, तो सिलेंडर का शेप होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू एल, किसी की दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ आई बात, ठीक है ना भाई। सिविल वालों से मेरी सिंपल सी रिक्वेस्ट है, सिविल वाले मुझे 2-3 बार फोन कर चुके हैं कई बच्चे कि सर FM और सोम हमारे लिए भी किसी तरह से अवेलेबल कराइए, तो उसका मैंने उनको आश्वासन दिया है बहुत जोर के बाद कि 2-3 दिन रुक के खबर लें, मुझे पता है पर ये ज़्यादा नहीं है, ये जितना मुझे जोर कर रहे हैं ये है ही 5-6 लोग बस, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो उन 5-6 लोगों को भी अगर मैं कुछ कमिटमेंट करता हूँ तो उनके लिए जल्दी ही मैं कुछ जुगाड़ ले आऊँगा जिससे वो सिविल और सोम जो है वो पेड में भी कर पाएंगे, ठीक है। अब शांत नाउ, अब यहाँ पे साइकिल देखो बच्चों, साइकिल इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि अब साइकिल से ही सारी कैलकुलेशन है अगेन। प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम, नाउ प्रेशर वॉल्यूम जो है यहां पे सिंपली देखें तो अब हमने क्या, अब यहां जीरो से नहीं स्टार्ट कर सकता, अब मेन बात है कि प्रोसेस को मैं जीरो से नहीं स्टार्ट कर सकता, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को कहीं आगे से स्टार्ट करना है, कहीं और से, ठीक है। तो अब प्रोसेस जो है वो थोड़ा आगे से स्टार्ट होगी, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम को छोड़ के, तो अब प्रोसेस में क्लियरेंस वॉल्यूम को तो पहले छोड़ देते हैं हम, मान लीजिए दिस इज वीसी, ये वीसी क्लियरेंस वॉल्यूम मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसके बीच में स्वैप्ट कराऊंगा, ठीक है, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन भी नहीं है क्योंकि अब तो साइकिल वैसे चलेगी, तो अब क्या है, मान लीजिए कुछ प्रोसेस कुछ इस तरह की, ठीक है, और इसको ऐसे नहीं जोड़ देना है अब, ठीक है ना। अब पिस्टन जो रिटर्न होगा वो जिस तरह का कंप्रेस हुआ था वैसा ही रिटर्न होगा, कुछ ये, अब ये बनी ना परफेक्ट साइकिल जो आपको जनरली देखने को मिलती है कुछ ऐसा। अब ये प्रोसेस कुछ इस तरह की नजर आएगी, जहां पे आप देख सकते हैं कि कुछ यहां से यहां, मतलब अगर मैं इसे बोलूं V2 और इसे बोलूं V1, तो ये है V1 पूरा, ये है V2, ठीक है, और कहां से कहां तक पिस्टन स्वैप्ट हो रहा है, पिस्टन हो रहा है यहां से यहां तक स्वैप्ट, बस यहां से यहां, तो दिस इज कॉल्ड स्वैप्ट वॉल्यूम VS, दिस इज VS, दिस इज VC, तो V1 और V2 यहां पे गए इस पहला प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस किस में हुई, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, तो जिसको आइसोबेरिक चाहिए था उसका आइसोबेरिक ये आ गया, ठीक है, ये हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे पहला प्रोसेस जिसको हम सक्शन बोल रहे हैं। उसके बाद कंप्रेशर हुआ, कंप्रेशन हुआ 1-2 हमारा कंप्रेशन हुआ, पीवी की पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अब ये पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन ही हमने लिया, ठीक है। उसके बाद 2-3 जो है वो हमारा वापस अपनी जगह पे आया, ठीक है ना, वापस जगह पे आया, लेकिन अब यहां से इनिशियली आने के लिए भी थोड़ा सा वॉल्यूम उसने खिसका है, ठीक है ना। तो ये अब बहुत जरूरी है कि यहां से, ठीक है ना, यहां से वापस आने के लिए भी उसने सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट करी 2-3-4 नाउ, और यहां, यहां प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, ये प्रेशर जो है यहां भी कांस्टेंट है और यहां भी कांस्टेंट है, ये आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन है और प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक्सपेंशन ही बोलेंगे ऐसे अब, ठीक है ना, इसको अब वापस रिटर्न एक्सपेंशन ही बोलेंगे, तो ये भी हमारा सेम ही रहेगा, मतलब
पॉलीट्रॉपिक ही रहेगा, समझ आ रही बात। तो अब ये हुई तो ये फर्क पड़ जाता है हमारी, तो दैट इज अ कंप्लीट साइकिल। तो जब हम इंजन वगैरह में भी इस तरह की साइकिल बनाते हैं, जो हमने पहले बनाया था वो नहीं बनाते, इंजन वगैरह में भी हम इस तरह की साइकिल बनाते हैं ना, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ऐसे ही तो देखते हो आप। क्यों देखते हो? क्योंकि उसमें भी क्लियरेंस जो है वो लेके चलते हैं। तो क्लियरेंस नहीं लोगे तो वो रॉ साइकिल है जो हमने इससे पहले करी थी, ठीक है ना। लेकिन क्लियरेंस लोगे तो फिर आपको साइकिल जो है वो साइकिल के तरह ही दिखाई देगी, जैसा जाएगा वैसा ही वापस आएगा, दैट इज अ कंप्लीट साइकिल। नाउ अब इसमें काफी सारी चीजें हैं बच्चों जो ध्यान में रखने वाली हैं, जैसे कि याद रखिए क्लियरेंस वॉल्यूम जो है वो लगभग कितना होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, मैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चलूंगा बिल्कुल, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि क्लियरेंस वॉल्यूम जो है वो लगभग कितना होता है स्वेप्ट वॉल्यूम के, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दिस क्लियरेंस, क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड नॉर्मली, नॉर्मली 3-5%, ठीक है। नॉर्मली जो है हम 3% से 5% लेते हैं बच्चों स्वेप्ट वॉल्यूम के, 3-5% ऑफ, दिख रहा है ना यहां पे, स्वेप्ट वॉल्यूम, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, 3-5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम, इधर लिख लेते हैं, प्रोवाइडेड नॉर्मली 3-5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता है और आंसर बदल जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज होता है और आंसर बदल जाता है। क्या वो चेंज, क्या होता है वो चेंज? ये होता है कि अगर वो आपको बोलेगा कि फॉर हाई स्पीड ऑफ पिस्टन, फॉर हाई पिस्टन स्पीड, अगर पिस्टन की स्पीड हाई है तो कितना होगा, तो तब याद रखेगा तब ये हो जाता है 13-15%। बस 1-1 लगा देना, इतना ध्यान रखना, 1-1 लगा देना, 13-15% अगर पिस्टन की स्पीड हाई बोले तो ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर 13-15% बोले तो तब उसे हम बोलेंगे दैट इज 13-15% हमारा, अगर हाई स्पीड बोले तो ये। अब बात है कि पिस्टन स्पीड क्या होती है, तो याद रखिए पिस्टन की स्पीड जो है वो कैसी होती है भाई। पिस्टन जो है वो टू एंड फ्रो, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टू एंड फ्रो, यहां आएगा, यहां से चलेगा तेजी से, एक्सलरेट करेगा, एक्सलरेट करेगा, फिर डी एक्सलरेट करेगा, इधर टकराएगा, फिर इधर तेजी से चलेगा। भाई पिस्टन कैसे चलता है, पिस्टन तो ऐसे ही चलेगा ना कि जीरो से स्पीड मैक्सिमम, फिर इधर जीरो, फिर यहां से वापस जीरो मैक्सिमम, फिर इधर जीरो, फिर यहां से वापस, फिर जीरो मैक्सिमम, फिर, मतलब पिस्टन जो है वो इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से चलता रहेगा। तो इस तरह से चलने में क्या है, स्पीड उसकी पेंडुलम की तरह ही है, सेम यही टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पिस्टन, यही तो चल रहा है। तो ऐसे में पिस्टन की स्पीड जो होती है बच्चों, याद रखिए वो मीन स्पीड ली जाती है, मीन स्पीड ली जाती है, मैक्सिमम भी नहीं, मीन स्पीड, ठीक है ना। तो मीन स्पीड हम लोग यहां पे लेते हैं, व्हाट दैट मीन स्पीड इज, तो भैया एक मीन स्पीड क्या है, एक चक्कर में पिस्टन पूरी प्रोसेस साइकिल कैसे हो रही है, पिस्टन जा रहा है और पिस्टन आ रहा है, पिस्टन जा रहा है और पिस्टन आ रहा है, तो स्ट्रोक लेंथ कितना कवर किया उसने, स्ट्रोक लेंथ कितना कवर किया, ठीक है ना भाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो स्पीड इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो कितना कवर किया उसने, दैट इज डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, एल एंड एल, ठीक है ना, याद करने का तरीका बता रहा हूं, एल एंड एल, ठीक है, समझ आ रही बात, एल एंड एल, तो दैट इज 2L, तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द मीन स्पीड ऑफ द पिस्टन, मीन स्पीड ऑफ पिस्टन, पिस्टन की मीन स्पीड क्या होगी, तो याद रखिए द मीन स्पीड ऑफ पिस्टन इज, याद रखिए मीन स्पीड है, वीएम वॉल्यूम में समझना, मीन स्पीड दैट इज डिस्प्लेसमेंट, कितना बोला मैंने 2L डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, व्हाट इज टाइम, टाइम इज कितना है, टाइम हमारा कितना ले रहे हम, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होते हैं, एन, एन आरपीएम क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, पर मिनट होते हैं, इसको पर सेकंड लिख लो तो भाई, रिवोल्यूशन पर मिनट लिख लो तो पर सेकंड लिख लूंगा तो क्या होगा, समझ रहे ना, एन की यूनिट सबको पता है ना, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट की यूनिट क्या होती है, 1/T, 1/T होती है, पर यूनिट टाइम होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट इज 1/T, कहीं पर भी एन की वैल्यू आप डायमेंशनल फॉर्म लिखते हो तो T-1 लिखते हो ना, तो रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको मैं पर सेकंड कर दूंगा तो डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एन जब लिखते हैं तो आरपीएम में लिखते हैं, एन बाय 60 जब लिखते हैं तो आरपीएस में लिखते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने मल्टीप्लाई किया था ना एन बाय 60, क्यों किया था, क्योंकि आरपीएस पर सेकंड में लेना था, ठीक है ना। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, 2L into speed that is time n by 60, ठीक है ना। अब ये मत कहना सर टाइम है तो डिवाइड क्यों नहीं किया, भाई n जो होता है 1/T होता है,
ठीक है ना, तो डिवाइड ही हुआ है वो, 1/T ही होता है, तो A2ln/60, तो दिस इज कॉल्ड पिस्टन स्पीड। अब ये स्पीड ऑटोमेटिकली आएगी, एल हमारे स्ट्रोक लेंथ मीटर में है और एन जो है वो आरपीएस में है, रिवोल्यूशन पर सेकंड में है, तो दैट इज इन मीटर पर सेकंड। समझ गए ना, यूनिट का खेल बहुत गजब है बाबू, बहुत गजब। तो यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेलोसिटी नो, डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेलोसिटी नो, नो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कैसे भाई, क्या बोल रहे हो? डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेलोसिटी नो, सॉरी लिंगेश आई एम नॉट एबल टू डिकोड यू, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें क्या बताऊं यू, ठीक है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, 2ln/60, ठीक है, समझ आया बात, दैट्स इट। नाउ ये समझे ना मीन स्पीड वाला कंसेप्ट, कि मीन स्पीड ऑफ पिस्टन पे डिपेंड करेगा कि क्लियरेंस कितना है। तो मीन स्पीड अगर हाई है तो क्लियरेंस 13 तो बता, तो वो बताएगा क्वेश्चन में आपको हाई है कि लो है, ठीक है ना। नाउ अब देखो, अब दूसरी बात समझो। नाउ यहाँ पे एक कैलकुलेशन और आती है बच्चों ऑब्जेक्टिव में, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस रेशियो। तो ये हटा दूं मैं, ये तो समझ गया ना, साइकिल में सब दिख रहा है। नाउ वन कैलकुलेशन विल कम, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो को हम सी या तो सी या ई से भी दिखाते हैं, सी या इस तरह का ई से भी दिखाते हैं, ठीक है ना। तो क्लियरेंस रेशियो सी और ई से, तो याद रखिएगा, दैट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ आपका क्लियरेंस वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम। यू ऑल नो दैट, क्लियरेंस वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम, तो क्लियरेंस रेशियो विल बी वीसी बाय वीएस, दैट इज कॉल्ड। सर टाइप ऑफ प्रोसेस बताओ विद क्लियरेंस, क्वेश्चन आता है विद क्लियरेंस क्वेश्चन, कुछ नहीं, टाइप ऑफ प्रोसेस हम लोग क्या ले रहे हैं, हमारा जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लेके चलेंगे और कोई नहीं है। क्लियरेंस सी इज इक्वल टू वीसी अपॉन वीएस, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन के हिसाब से बोलू तो व्हाट इज वीसी, व्हाट इज वीसी बताओ, इस क्वेश्चन के हिसाब से बोलू तो वीसी क्या है यहाँ पे, याद रखिये क्लियरेंस रेशियो हम ऐसे भी लिखते हैं और परसेंटेज में लिखते हैं। अगर परसेंटेज क्लियरेंस पूछेगा तो हम बस इतना कर देंगे, वीसी बाई वीएस इंटू 100, ठीक है, VC by VS into 100 कर देंगे, तो वो परसेंटेज क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप सिंपली बताइए कि VC by VS क्या है, व्हाट इज VC, VC इज V3, याद रखिए VC इज V3, दैट इज V3, एंड व्हाट इज VS, VS इज स्वेप्ट वॉल्यूम कितना, V1, तो दैट इज V3 by V1, समझ आई बात। तो क्लियरेंस इज V3 by V1, वी कैन राइट दैट इज स्वेप्ट। लेकिन एक चीज याद रखिए, सॉरी एक याद रखिए, दिस इज V3 एंड दिस इज VS, VS सिर्फ इतना है, तो V1 में से V3 माइनस करना पड़ेगा मुझे, मतलब V1 तो ये पूरा है ना, दिस इज V1 है ना, तो V1 में से V3 माइनस करूंगा तो तब जाके आएगा, तो मतलब VS इज इक्वल टू V1 माइनस V3, कुछ ऐसा, ठीक है, समझ आ रही बात, ठीक है ना। सिंगल एक्टिंग है बच्चों, सिंगल एक्टिंग है अभी, ये सिंगल एक्टिंग है अभी, डबल एक्टिंग की बात नहीं कर रहे, डबल एक्टिंग में ट्वाइस हो जाएगा फिर सब वर्क डन जो होगा, ठीक है ना। सिंगल एक्टिंग की बात कर रहे हैं अभी, हम डबल एक्टिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। V3 अपॉन V1 माइनस V3, समझ गया ना, तो दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस रेशियो। सभी वर्क डन का ऑर्डर क्या होगा, तो वर्क डन का ऑर्डर बच्चों न्यूमेरिकल से कर सकते हो आप, ठीक है ना। अगर एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा तो सिंपल सी बात है, सबसे कम वर्क डन आइसोथर्मल, ठीक है ना, जो एन की वैल्यू का जो ऑर्डर होता है आइसोथर्मल, देन पॉलीट्रॉपिक, देन एडियाबेटिक, मतलब आइसेंट्रॉपिक, बस ऑर्डर यही रहेगा, ठीक है ना। कि जैसे हमने पहला वाला अभी केस किया था, तो उसमें हमारा क्या था, ऐसा तीन प्रोसेस थी, तो आप ऑर्डर लिख सकते हो, ऐसा तीन प्रोसेस थी, 1, 2 और 3, है ना, ये तीन से ऐसे वर्क डन हो सकता था, ठीक है। तो ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे कम वर्क, देखो सबसे कम वर्क किस में जा रहा है, आइसोथर्मल में, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं सबसे, उससे हमारा पॉलीट्रॉपिक, उससे ज्यादा हमारा एडियाबेटिक, ये है, तो ऑर्डर भी यही है, अगर सिर्फ हम गामा और एन पे डिपेंड करेंगे तो ऑर्डर हमारा यही है, ठीक है, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक एंड एडियाबेटिक, समझ आई बात हमारी। नाउ नाउ अब देखिए, ये समझ गए इतना, चलो अब वर्क इनपुट पे आ जाते हैं। नाउ अब वर्क डन हमारा क्या फर्क पड़ेगा वर्क डन के फॉर्मूले में, तो इसका भी अब कैलकुलेशन बच्चों अपने आप में, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। नेगेटिव क्या, क्या चीज नेगेटिव,
नाउ अब देखो, ये हमने बता दिया, अब हम वर्क डन के फॉर्मूले को डायरेक्ट आते हैं कि वर्क डन का वर्क इनपुट का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा। तो याद रखिए, नेटवर्क नेटवर्क पर साइकिल, वही पर साइकिल हम निकालें, पर साइकिल विल बी इक्वल टू, तो लगभग फॉर्मूला वही है, आपको ध्यान रखना है बस, दैट इज वर्क डन पर साइकिल विल बी इक्वल टू डब्ल्यू सी, जितना हम क्लियरेंस में वर्क दे रहे हैं उसमें, मतलब जितना हम कंप्रेशन में वर्क दे रहे हैं माइनस क्लियरेंस वाले वर्क को माइनस करते हैं, तो सिर्फ इतना रहता है एन अपॉन एन माइनस वन पी वन। यहां पे बस याद रखिए, हमारा इतना तो फॉर्मूला सेम था, पी वन वी वन लगते थे हम लोग वहां पे, अब यहां पे वी वन की जगह पे आपको याद रखना है दैट विल बी वी वन माइनस वी फोर, सिर्फ इतना वॉल्यूम, मतलब दैट वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम, ये, क्योंकि यहां पे प्रोसेस कंप्लीट हो रही है ना, तो बस इतना वॉल्यूम, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम। याद रखिएगा, ये जो वॉल्यूम है ना, ये हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है, क्योंकि इतनी ही एयर अंदर आ रही है बस, समझ रहे ना आप, जितनी एयर अंदर आ रही है बस उतनी एयर को कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है, देखो ये कंप्रेशन है और डिलीवरी है, तो कंप्रेशन और डिलीवरी के दौरान जो है ये कंप्रेशन टोटल इतना ही हो रहा है, तो इतनी ही एयर अंदर आ सकती है सक्शन के दौरान, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम। याद रखिए, स्वेप्ट वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है ना, ये आपको समझना होगा, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे हम लिखेंगे एक्चुअल वॉल्यूम, तो मैं वी एक्चुअल लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। अब ये वी एक्चुअल क्या है बता देता हूं दोबारा, तो दिस इज कॉल्ड वी एक्चुअल वॉल्यूम, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है, पी टू अपॉन पी वन की होल पावर एन अपॉन एन माइनस एन माइनस वन अपॉन एन, ठीक है, दिख रहा है ना इतना छोटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, बाकी सब वही है बच्चों, एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, बाकी फॉर्मूला सेम है जो हमारा वहां था, बस पी वन वी वन की जगह पे पी वन वी एक्चुअल आया है। व्हाट इज वी एक्चुअल नाउ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी एक्चुअल सिर्फ वो है जितना एक्चुअल एयर जो है वो अंदर आ रहा है, वी ए मतलब वी एक्चुअल, मतलब वी एक्चुअल इज द एक्चुअल वॉल्यूम, इसको लिख लीजिए, क्योंकि यही मिस्टेक है बस जो होती है हमारे पास, अगर हमें ग्राफ में पैरामीटर दिए भी हैं तो भी जो है ये कॉमन सी मिस्टेक हमारे पास होती है, दैट इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग द कंप्रेसर, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग द कंप्रेसर। भाई इतना याद रखे ना, हम उतनी ही एयर को कंप्रेस कर सकते हैं जितनी एक्चुअल में अंदर आ रही है, तो जब हमारा सक्शन के दौरान इतनी ही एयर अंदर आ रही है तो बस इतने ही एयर वाला वॉल्यूम हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, इतने ही एयर वाला वॉल्यूम हम लोग लेके चलेंगे एंटरिंग दी कंप्रेसर पर साइकिल, ठीक है, एक साइकिल के दौरान, याद रखिए पर साइकिल बोल रहे हैं, पर साइकिल में इतना वॉल्यूम हम लोग एंटर कर रही है एयर, तो इतना ही होगा, ठीक है ना, तो इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस हम क्या कह सकते हैं, इट टू रिड्यूस दी वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस क्या है, ठीक है ना, आप पूछ रहे हो ना किसकी वजह से, ओनली ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस, तो इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस इज जस्ट रिड्यूस दी वॉल्यूम ऑफ गैस या एयर आप बोल सकते हो, ठीक है, क्लियरेंस का इफेक्ट यहां पे क्या दिख रहा है हमें, सिर्फ यही इफेक्ट क्लियरेंस का दिखता है, ठीक है ना, समझ आई बात, सिर्फ यही इफेक्ट हमें यहां पे दिख रहा है, एक सेकंड बच्चों जरा, बीच बीच में कुछ लोगों को उड़ाना भी पड़ता है, क्या ग्राफ में पॉइंट टू और फोर कुछ गड़बड़ दिख रहा है, अभी देख लेते हैं टू और फोर क्या गड़बड़ है, भाई टू और फोर एक जगह पे पॉइंट नहीं होंगे ना, याद रखिए टू और फोर जो है वो हमारे आगे पीछे दिख रहा है, ठीक है अभी देखते हैं, अभी लिख लेते हैं, तो इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस इज जस्ट टू रिड्यूस दी वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है ना, वो भी कितना, एक्चुअली जितना सक्ड हो रहा है, एक्चुअली सक्ड इन अ साइकिल, ठीक है ना, हाँ डायग्राम को थोड़ा सा सीधा कर सकते हैं हम लोग, सीधा थोड़ा सा इधर कर लेंगे, एक सेकंड, वो एक्चुअली यहां से इतना आइडिया नहीं आता, पीछे से देख के आप लोगों को, सामने देख के थोड़ा सा सही आइडिया आता है कि कहां पे जा रहा है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा हिला रहा हूं मैं,
कि लगभग ये जो है मैं सेम पॉइंट पे रखना चाहूंगा, वी टू, ठीक है, और यहां से लगभग कंप्रेस करके यहां तक, ठीक है ना, और ये ऐसे, ठीक है, अब लगभग सही है, अब सही है, टू थ्री एंड फोर, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, अब सही है, अब नहीं है ना अंतर ज्यादा, ठीक है ना, वो ऐसे सामने से देख के कई बार आइडिया नहीं आता, ठीक है ना, चलिए ठीक। तो ये दो पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखेगा। तो ऐसे में वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, वी ए, एंड व्हाट इज दैट वी ए, दैट वी ए इज इक्वल्स टू, हमने क्या बोला, दैट इज वी ए एक्चुअल वॉल्यूम, दैट इज वी ए, इतनी ही एयर जो है वो अंदर आ रही है, इसलिए इतनी ही एयर जो है वो डिलीवर्ड होगी। तो दैट वी ए इज इक्वल्स टू, इसको भी आप थोड़ा सा वैसे ही बना लेंगे, थोड़ा सा फ्लैट सा बना लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा कर्व को, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, वही है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो याद रखिए ये है हमारा एक्चुअल वॉल्यूम, तो दैट इज वी वन माइनस वी फोर, वी वन माइनस वी फोर, बस इस चीज का अंतर ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूले में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये अंतर ध्यान रखना है कि जब आप वर्क डन का फॉर्मूला लिखोगे, वर्क नेटवर्क पर साइकिल विल बी इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस वन पी वन वी वन माइनस वी फोर, ठीक है ना, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम, पी टू बाई पी वन की होल पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, बस। तो याद रखने में भी कोई समस्या नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको यही तो चेंज करना है वी वन माइनस वन फोर। तो ये वी वन माइनस वी फोर, वहां पर हम सिर्फ वी वन लेते थे, उस वी वन में से वी फोर माइनस हमने क्यों किया, ओनली ड्यू टू क्लियरेंस, याद रखिए ओनली ड्यू टू क्लियरेंस। तो बस ये क्लियरेंस के वजह से हमने इतना वॉल्यूम जो है वो माइनस करके चलना है, क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम सिर्फ इतना ही है जितना में जितना एयर वो अंदर सक कर रहा है, ठीक है भाई। पावर प्लांट की कितनी क्लास हो गई है, तो बच्चों आप जाके देखो ना, आप जाके देखो, ठीक है ना, आप जाके ये जरूर देखो कि वहां पे कितना आपका हो गया है, मतलब प्लेलिस्ट जाके चेक करो, ठीक है, प्लेलिस्ट जाके चेक करो। वर्क पे क्या इफेक्ट होगा, तो याद रखिए बच्चों वर्क पे हमारा कहीं पर भी क्लियरेंस रेशियो नहीं दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, तो याद रखिए वर्क पे हमारा कहीं पर भी क्लियरेंस रेशियो नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक स्टेटमेंट और लिखो, एक स्टेटमेंट और लिखो कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है ना, वर्क में कहीं पर भी क्लियरेंस रेशियो नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक लाइन और लिखो इसमें कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लियरेंस रेशियो, ठीक है ना, तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लियरेंस रेशियो। अब आप कहोगे सर तो फिर फर्क क्या पड़ा, अब बताता हूं फर्क क्या पड़ा, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ क्लियरेंस रेशियो, सो नो इफेक्ट ऑन वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन इफेक्ट कहां दिखेगा, इसकी एफिशिएंसी पे, ठीक है ना, इफेक्ट कहां दिखेगा इसके, तो वर्क करने में कोई समस्या नहीं, वर्क अभी भी आपको उतना ही जा रहा है, लेकिन इफेक्ट आया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे, मतलब कितना वॉल्यूम वो दे सकता था एयर का, उसमें इफेक्ट आएगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, समझ आई बात। अच्छा इसमें कंफ्यूज हो रहे हो क्या, वी टू लिखा, ओके ओके ओके, वो कोई नहीं, वो मैंने कंप्रेशन, ठीक 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 ठीक, ये वी फोर लिख लो भाई, आपको एक्चुअल वॉल्यूम लिखने में कंफ्यूजन नहीं होगा, वी वन माइनस वी फोर, ठीक है, वी फोर लिख लो इसे, एक्चुअल उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, वी वन माइनस वी फोर, ठीक है, इसको वी फोर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब देखो, अब यहां पे सिंपल सी बात है कि तो फर्क किस पे पड़ने वाला, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, बिल्कुल फ्री एयर डिस्चार्ज जो है वो लो हो जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है,
नाउ अब देखो क्या कम होगा उसके लिए हम लोग निकालते हैं एक बहुत सिंपल सा छोटा सा, मैं ड्राइव ही कर देता हूं उसे, चार लाइन का डेरिवेशन सा है, डेरिवेशन क्या बस चार लाइन का कंसेप्ट है समझो, क्योंकि क्या फर्क है वो आपको यहां दिखाई देगा, इसीलिए हमने क्लियरेंस रेशियो लिखा है बच्चों, जहां क्लियरेंस रेशियो दिखाई देगा समझो उस चीज का फर्क पड़ रहा है। तो यहां पे लिखेगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इसलिए जब ये वाला केस आता है तो आपसे वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा पूछता है वर्क इनपुट से ज्यादा। वर्क इनपुट अभी तक किसी फॉर्मूले में नहीं पूछा गया, मतलब किसी एग्जाम में वर्क इनपुट लिखा हुआ नहीं आया है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जरूर पूछेगा आपसे या कैलकुलेट करने को भी आ जाएगा। तो याद रखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ, क्योंकि रेशियो ऑफ कितनी एक्चुअल एयर डिलीवर्ड हो रही है एज कंपेयर टू कितना उसने स्वेप्ट किया पिस्टन ने। तो पिस्टन ने देखो इतना स्वेप्ट किया, पिस्टन ने इतना स्वेप्ट किया, लेकिन उसमें से सिर्फ इतनी ही एक्चुअल एयर जो है वो डिलीवर्ड हो रही है, समझ रहे ना बात। तो समझने वाली बात यह है कि इतना स्वेप्ट किया तो इतनी एयर मात्र डिलीवर्ड आपकी हुई, समझ आ रही बात है, ठीक है ना, इतना स्वेप्ट किया तो इतनी एयर मात्र डिलीवर्ड हुई, तो इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल, ठीक है ना, एक्चुअल फ्री एयर डिलीवर्ड डिलीवर्ड टू स्वेप्ट वॉल्यूम बाय द पिस्टन, टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर कितना डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर ने इतना किया लेकिन इतना वॉल्यूम जो है वो एयर अंदर आई। तो यहां पे फर्क पड़ेगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में, दैट इज एक्चुअल एयर डिलीवर्ड मतलब वी ए, ठीक है ना, वी ए हमने डिलीवर्ड किया और स्वेप्ट हमने वी एस किया। अब ये देखो आप, अगर ये हमारा बराबर होता तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100% थी, ठीक है ना, लेकिन ये बराबर तो नहीं है, वी ए अपॉन वी एस है। अब देखो वी ए को क्या लिखूंगा मैं, वी वन माइनस वी फोर, ठीक है ना, वी ए इज वी वन माइनस वी फोर, ठीक है, और वी एस जो है आपका उसको अभी वी एस ही रहने दो। नाउ अब वी वन देखो क्या है, वी वन क्या है, वी सी प्लस वी एस है ना, वी वन एक्चुअली में क्या है, वी सी प्लस वी एस है, ठीक है, समझ आ रही बात। तो यहां पे अगर मैं अभी इसको ऐसे रहने देते हैं पहले, ठीक है ना, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक फॉर्म बना रहा हूं बच्चों वो सिंपल समझिएगा। वी एस को क्या लिख सकता हूं बताओ, वी एस को मैं ये मान लीजिए ये वी थ्री है, अब डायग्राम को ध्यान से देखिएगा कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना यहां पे, वी एस को मैं क्या लिख सकता हूं, वी वन माइनस वी थ्री, इतना क्या है, इतना वी थ्री है, वी थ्री मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम वी थ्री। अभी मैं सी और एस पे बात नहीं करूंगा, मैं नंबर्स पे बात करूंगा, तो वी वन में से वी थ्री माइनस कर दूं मतलब वी सी माइनस कर दूं तो ये वी एस आ जाता है। तो अगर मैं वी एस को लिखना चाहूं तो मैं वी वन माइनस वी थ्री लिख सकता हूं, देखिएगा अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा यहां पे बता दीजिएगा मुझे कि ये सर कैसे लिखा, ठीक है, मैं कमेंट देखते रहूंगा, माय डियर जी सर जी आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर, अरे पेड कोर्स अभी ज्वाइन कर लेना कोई बात नहीं, वी वन माइनस वी फोर, वी वन माइनस वी थ्री। नाउ ठीक है इतना कोई दिक्कत नहीं, वी वन माइनस वी फोर क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम दिख रहा है, वी वन माइनस वी थ्री क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहां पे समझ लीजिए आपको क्या करो, इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन ले लो मतलब कैसे कॉमन ले लो, कि इसको एक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम की टर्म में, बस इतना समझ लीजिए। तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या करूं मैं, इसको वी वन को वी एस की फॉर्म में लिखू तो, ठीक है, वी वन को वी एस की फॉर्म में लिखू तो वी वन को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज वी एस माइनस वी थ्री लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या करता हूं मैं, वी वन को मैं लिख देता हूं वी एस, सॉरी वी वन लिखना है ना, वी एस प्लस वी थ्री, ठीक है ना, वी एस प्लस वी थ्री ऐसा लिख सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं वी एस प्लस वी थ्री माइनस वी फोर अपॉन वी वन को, यहां पे भी सेम वी एस, चलो इसको छोड़ो सेम क्या लिखना जरूरत पड़ेगी मुझे, इसको मैं वी एस ही रहने देता हूं, मेरे को तो ऐसे ही चल जाएगा काम, वी एस ही रहने देता हूं। देखो अब देखो इसको क्या करो, इसमें से वी थ्री भी वी फोर भी कॉमन ले लो, पहले वी एस कॉमन ले लेते हैं, वी फोर
ये हटा दूं, ये सब आप लोगों ने लिख लिया होगा ना। अब देखो ठीक है, मैं सिर्फ एक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, आसानी से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। वी एस प्लस इसमें से वी फोर कॉमन लूं तो क्या बचेगा, वी थ्री अपॉन वी फोर माइनस वन बचेगा अपॉन वी एस। अब इसमें से भी वी एस कॉमन ले लो, नेटा वॉल्यूम ठीक है, इसमें से भी वी एस कॉमन ले लो ठीक है, वी एस और वी थ्री क्या लाना है मुझे अल्टीमेटली, वी एस और वी थ्री और वी एस वी थ्री वी फोर बाय वी थ्री वी फोर। हाँ तो ऐसा करता हूँ फिर, वी एस प्लस वी एस माइनस वी थ्री कॉमन ले लेता हूँ, वन माइनस वी फोर बाय वी थ्री ये हो गया अपॉन वी एस ठीक है। अब इसमें से वी एस कॉमन ले लो, वन प्लस वी थ्री बाय वी एस वन माइनस वी फोर बाय वी थ्री। अभी बता रहा हूं क्या बनाना चाह रहा हूं मैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू वन, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, वन माइनस वी थ्री बाय वी एस वी फोर बाय वी थ्री माइनस वन। चलो जो मैं बनाना चाह रहा था मैंने बना लिया ठीक है ना। तो आप तो डायरेक्ट याद रखेंगे, जो भी लास्ट निकल के आएगा वो डायरेक्ट याद रखेंगे, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ बनाना चाह रहा हूं, क्या बनाना चाह रहा हूं मैं, तो आपको याद होगा कि v3 और vc सेम है, v3 और vc सेम है। तो यहां पे देखो v3 और vc जो है वो क्लियरेंस वॉल्यूम है, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं नीटा वॉल्यूम इज इक्वल टू वन माइनस vc अपॉन vs v4 बाय v3 माइनस वन, तो व्हाट इज vc बाय vs बताओ, व्हाट इज vc बाय vs ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, काफी बच्चे समझ गए मैं क्या करना चाह रहा हूं। तो मैंने जो एक्सप्रेशन बनाया ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने चार लाइन का डेरिवेशन दिखाया, आप कैसे भी करो कुछ भी कॉमन लो, अल्टीमेटली मुझे यहां पे दो चीजें दिखनी चाहिए बस, एक क्लियरेंस रेशियो दूसरा प्रेशर रेशियो, बस मुझे यहां पे दो चीजें दिखनी चाहिए, क्लियरेंस रेशियो और प्रेशर रेशियो, और आई थिंक मुझे यहां पे वो दो चीज दिख गई। देखो एक है प्रेशर P4 और एक है यहां पे P3 ठीक है ना, तो P3 बाय P4 जो है यहां पे प्रेशर रेशियो है ठीक है। अब यहां पे मैं पुट कर दूंगा V4 V3, तो मतलब 3 और 4 में अगर मैं प्रोसेस लगाऊं पॉलीट्रॉपिक तो यहां पे रिलेशन आ जाएगा, लगा दो ठीक है ना, कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन थोड़ा सा इसलिए करवा रहा हूं कि अगर कोई वॉल्यूम का कोई टेढ़ा मेढ़ा रिलेशन भी आया तो छोटा मोटा आपको पता है कि न्यूमेरिकल में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे 3 to 4 हमारी मान लीजिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो आपको पता है पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो मतलब पी थ्री वी थ्री की पावर एन इज इक्वल टू पी फोर वी फोर की पावर एन हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, वी फोर बाई वी थ्री, तो वी फोर बाई वी थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी फोर बाई वी थ्री की पावर एन इज इक्वल टू पी थ्री बाई पी फोर, आ गया अपने आप प्रेशर रेशियो ठीक है ना। तो वी फोर बाई वी थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज पी थ्री बाई पी फोर की होल पावर 1/n, या फिर समझ रहे ना, वी फोर बाई वी थ्री को मैं लिख सकता हूँ, वी फोर बाई वी थ्री को पी थ्री बाई पी फोर की होल पावर 1/n। अब पी थ्री बाई पी फोर मेरा प्रेशर रेशियो है, और यही प्रेशर जो है पी थ्री पी टू के बराबर है, और यही प्रेशर जो है पी फोर पी वन के बराबर है ठीक है ना। तो इसको मैं सेम जो है इस प्रेशर रेशियो को मैं पी वन बाई पी टू भी लिख सकता हूँ, पी थ्री को मैं पी टू और इसे पी वन, तो पी टू बाई पी वन का होल पावर 1/n भी लिख सकता हूँ ठीक है। तो इस पूरे प्रेशर रेशियो को मैं दोनों टर्म में लिख सकता हूं, कहने का मतलब यह है कि वी फोर बाय वी थ्री को मैं पी थ्री बाय पी फोर की होल पावर 1/n भी लिख सकता हूं, पी टू बाय पी वन की होल पावर 1/n भी लिख सकता हूं, और प्रेशर रेशियो आरपी की होल पावर 1/n भी लिख सकता हूं। तो ऐसे में जो है यह रिलेशन सीधा सीधा वॉल्यूमेट्रिक, अब जो याद रखना है बच्चों वो ये है ठीक है ना। तो हो सकता है थोड़ा सा मेंटल टॉर्चर हो गया आपके लिए, लेकिन याद रखना आपको सिंपल ये है कि वन माइनस, इसका अभी अर्थ समझेंगे ना तो मजा आएगा ठीक है ना, ये तो अभी मैंने जो किया वो अनर्थ किया ठीक है ना आपके साथ, तो अभी इसका अर्थ समझो, वन माइनस सी आर पी की पावर 1/n माइनस वन, अभी इसका अर्थ समझेंगे। तो ये तो रिलेशन आपका मैंने निकाल दिया, वन माइनस सी आर पी की पावर 1/n माइनस वन, दिस इज योर
वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, याद रखिए बच्चों इतना आपका वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में जितना ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज योर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है ना, इसका मीनिंग समझते, अब सब कुछ भूल जाओ फिलहाल, इसको सिर्फ एक मीनिंग समझो इसका, हट जाओ, ये सब आपका हो गया, साइकिल वाइकल सब हटाओ। अब सब कुछ भूल के सिर्फ इसका मीनिंग समझिए कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, क्योंकि यहां से दो से तीन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। देखो, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फॉर केस इन विच क्लियरेंस, नाम से ही क्लियर है, क्लियरेंस आ रहा है तो क्लियरेंस लेंगे, वन माइनस वीसी अपॉन वीएस, एक फॉर्म तो ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है, और आरपी मतलब पी टू अपॉन पी वन की पावर 1/n-1, सिंपल, एक तो फॉर्म ये हो गई, दूसरी फॉर्म यही हो गई, 1-c rp की पावर 1/n-1। नाउ अब आपसे पूछ सकता है, अब आपसे सिंपल पूछ सकता है कि क्या केस, कि पहला केस, केस नंबर वन, अब ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्या पूछ सकता है, कंक्लूजन बता रहा हूं एक तरह से, वो कहेगा कि इफ पी टू इक्वल टू पी वन, अगर प्रेशर रेशियो हमारा सेम है, जबरदस्ती के बनाए हुए केस है बस, ठीक है, अगर मैं पी टू इक्वल टू पी वन बोलूं, इफ पी टू इक्वल टू पी वन, इसका मतलब क्या है, नो कंप्रेशन, है ना भाई, पी टू अगर पी वन के बराबर है तो मतलब कोई कंप्रेशन हो ही नहीं रहा है भाई, पी वन से पी टू ही तो कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग, तो पी टू पी वन के बराबर है तो नो कंप्रेशन, तो एफिशिएंसी कितनी बता दो, अगर आप कंप्रेशन नहीं कर रहे हैं तो पी टू पी वन मतलब नो कंप्रेशन, तो आरपी की वैल्यू वन, आरपी की वैल्यू कितनी वन, आरपी की वैल्यू वन, वन माइनस वन जीरो, तो दैट इज एफिशिएंसी इज 100%, समझ आ रही बात, एफिशिएंसी इज 100%, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100%, तो इसका मतलब क्या है, ये तो खाली डब्बा हो गया ना फिर भाई, खाली डब्बा हो गया, एक डब्बा हो गया, खाली बॉक्स हो गया, इधर से हवा आ रही है और इधर से हवा जा रही है, दैट इज 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, कोई प्रेशर में चेंज कर ही नहीं रहा है, पी वन और पी टू, ये वो केस हो गया, तो हम कुछ भी इसको एग्जांपल किसी भी तरह से बोल सकता है, वो कहेगा कि इफ देयर इज अ डक्ट, डक्ट मतलब जिसमें से कोई चीज ओपनिंग हो, जिसमें से निकल सके, तो देयर इज अ डक्ट और देयर इज अ चैनल इन विच एयर इज गोइंग फ्रीली विदाउट एनी कंप्रेशन, देन द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी आंसर टिक 100%, पहली बात, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस बने हुए हैं उनके हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है, समझ आ रही बात, अगर हम बोले कि कांस्टेंट आपका प्रेशर रेशियो और जो सी है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो किस पे डिपेंड है, ठीक है भाई, यहां सबको पता है ना, ये सी इज दी क्लियरेंस रेशियो, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं बच्चों जो जो चीजें पूछ सकता है, और आरपी इज दी प्रेशर रेशियो, ठीक है, एन इज दी एक्सपेंशन कोफिशियंट, ठीक है, इधर की साइड से लिया ना, एन इज दी एक्सपेंशन कोफिशियंट या कंप्रेशन कोफिशियंट आप बोल सकते हो, ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे अगर आपको बोलता है इफ सेकंड केस, इफ आरपी एंड सी इज कांस्टेंट, अगर आरपी और सी कांस्टेंट है तो आपको पता है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन एन, एन पे डिपेंड करेगी, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ एन के बढ़ने से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी या घटेगी, बताओ एन के बढ़ने से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी या घटेगी, जल्दी बताओ, क्योंकि ये फिर क्वेश्चन हुआ ना, बताओ एन के क्वेश्चन तो अब शुरू है ना, ये तो मैंने बोला कि ठीक है इस पे डिपेंड करेगी, पता आपको तीन ही चीजें तो इस पे ही करेगी, अब बताओ एन के बढ़ने से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी या घटेगी, ये क्वेश्चन रहेगा, बताओ, अगर ये दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ एन पे डिपेंड है, तो एन की वैल्यू मैं बढ़ाता हूं तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जल्दी बताओ, दैट इज द क्वेश्चन, यहां घूम जाएंगे सारे के सारे, पक्की बात है, पक्की बात है भाई, सी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, डिक्रीज डिक्रीज सब डिक्रीज हो गया काम तुम्हारा,
सब डिक्रीज, सब डिक्रीज। हो गया काम, हो गया भाई। अब मैंने काम हो गया बोले तो अब सब वापस वही सब नाम आ गए, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, क्योंकि हमने कुछ सोचना थोड़ी ना, हम तो बस ट्रायल मार रहे हैं। तो ट्रायल हमने मारा डिक्रीज से इंक्रीज से। भाई यहां पे एक चीज समझनी है आपको, समथिंग माइनस वन एंड इट्स होल इज वन माइनस समथिंग, समझ रहे ना? तो कुछ एक्स माइनस वन है, तो अगर मैं बोल रहा हूं एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब ये वैल्यू बढ़ रही है, और ये वैल्यू बढ़ रही है तो वन माइनस समथिंग जो है वो डिक्रीज हो रहा है फिर। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं एक्स की वैल्यू जो है वो घट रही है, अगर एक्स की वैल्यू घट रही है, अब ध्यान से समझो, एक्स की वैल्यू अगर घट रही है तो ये पूरा फैक्टर जो है वो घट रहा है, और ये पूरा फैक्टर अगर घट रहा है तो ये पूरा जो है वो बढ़ रहा है, समझे बात को? तो अगर मैं समथिंग किसी की पावर नीचे वाली बढ़ाता रहूंगा, अगर ये पावर ऊपर वाली होती, मान लीजिए आरपी की पावर एन होता, समझे ना, एक्स की पावर में टू करूंगा, एक्स की पावर में थ्री करूंगा, तो ऐसे में एक्स की पावर अगर मैं कर रहा हूं तो ये बढ़ रही है ना वैल्यू, ये बढ़ रही है तो ये पूरा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो ये पूरा फैक्टर डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं वन अपॉन एन बोल रहा हूं, तो एन अगर मैं बढ़ा रहा हूं, एन बढ़ा रहा हूं तो समथिंग वन अपॉन बढ़ रहा है ना, वन अपॉन बढ़ रहा है तो ये पूरा वैल्यू घट रहा है, ध्यान से समझो, ये धीरे धीरे बड़ा करता जाऊंगा, ठीक है ना, समझ रहे ना? एन अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो समथिंग अपॉन बढ़ा रहा हूं तो ये पूरा जो है मैं घटा रहा हूं, ठीक है ना, वन अपॉन समथिंग बढ़ा रहा हूं तो ये पूरा मैं घटा रहा हूं, पूरा घटा रहा हूं तो ये भी घटा रहा हूं, भाई ये घट रही है वैल्यू तो ये भी घट रही है वैल्यू, ये घट रही है वैल्यू तो ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ये पूरी वैल्यू जो है वो ये घट रही है, तो समथिंग माइनस वन तो घटा हुआ चीज माइनस वन ये समथिंग बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, है ना, ये पूरी वैल्यू घट रही है तो ये घटेगा, तो ये घटेगा तो वन माइनस समथिंग घटेगा तो जितना घटेगा ये पूरा का पूरा जो है वो बढ़ेगा। तो सिंपल याद रखिए, अगर एन की वैल्यू, एन डिपेंड्स ऑन एन, तो इफ एन इंक्रीजेस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि मुझे इसलिए पूछा ये क्योंकि इस वन माइनस में आप लोग घूम जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सीधा अच्छा लगता है समझना सामने वाली चीज, लेकिन आपको समझना है यहां सिर्फ वन माइनस एन नहीं है, वन माइनस एन पे डिपेंड होता तो हम कहते कि ठीक है ये बड़ा तो ये घटा, लेकिन यहां वन माइनस समथिंग वन माइनस है, माइनस वन है, ठीक है ना, तो ये चीज रखिएगा, पूरी वैल्यू बढ़ेगी। अब आराम से सोच समझ के इस एक्स वाले फैक्टर में चेंजेस करते रहेगा, ठीक है ना। मैंने आपसे बहुत छोटी सी चीज पूछी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी को अभी भी समझना आया तो सिंपल ये बताना कि वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं बस, तो मुझे सिर्फ ये बताना कल के दिन पे कि एन की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ये आराम से घर पे खेलते रहना शाम तक, कि एन की वैल्यू बढ़ाते जाना 2 3 4 5 6, और वाई की वैल्यू निकालते जाना, अपने आप बदल जाएगा आपको, ठीक है, इसको चाहे तो 2 कर लो, ठीक है, अब आराम से करते जाना और मजे लेते जाना जिंदगी के, ठीक है, समझे बात? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फैक्टर, याद रखना, ठीक है, दैट इज आरपी और सी, अगर कौन पर याद रखे आरपी और सी कॉन्स्टेंट है तो ही, अगर आरपी और सी कॉन्स्टेंट है तो ये इंक्रीज करने पे वैल्यू गिरेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, समझ आई बात? अब नाउ एक और पूछूं, एक और पूछूं आपसे, एक और ऑब्जेक्टिव पूछूं, बताओ तैयार हो? जिसने गलत आंसर दिया कर दे ब्लॉक, बताओ तैयार हो इस रिस्क के लिए? तो बताओ, चैलेंज है, गलत आंसर दिया तो कर देंगे ब्लॉक, ले सकते हो चैलेंज, तो बताओ मैं अगला क्वेश्चन दूं आपको। यस सर, यस बोलो भाई, सभी लोग बोलो यस, तभी मैं करूं, एक से थोड़ी ना मैं चैलेंज दे रहा हूं, ले सकते हो चैलेंज तो मैं लिखूं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, सब सुन हो गए, चले गए छोड़ के, चैट ही छोड़ के चले गए, अबे बस हो गया, चलो आए हैं निकल के, यस 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 यस, चलो सुनो, अगर मैं बोलता हूं आपको ऑल, अगर मैं बोलता हूं कि इफ पी टू इंक्रीजेस, ठीक है, सिर्फ पी टू, याद रखिए जो अपर प्रेशर है मैं उसको बढ़ा रहा हूं, इफ पी टू इंक्रीजेस एंड ऑल अदर विल बी कॉन्स्टेंट, अदर टर्म्स मतलब सब सब, उसके अलावा पी वन,
ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले पे मत चलना, अब ऊपर वाले पे चलना। मैं कह रहा हूं पी टू को बढ़ाऊं, बाकी वी सी वी एस एन सबको कॉन्स्टेंट रखू, ठीक है, इफ पी टू को बढ़ाऊं बाकी सबको मैं कॉन्स्टेंट रखू, इफ पी टू इंक्रीजेज एंड ऑल अदर टर्म्स विल कॉन्स्टेंट, विल बी कॉन्स्टेंट, तो बताइए मुझे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी डिक्रीज, जल्दी बताओ। अच्छा ब्लॉक नहीं करोगे, अभी करता हूं तुम्हें ब्लॉक में, हमें पता है नहीं करोगे, भरोसा देखो है ना, अभी करता हूं मैं ब्लॉक, तुम टेंशन ना लो, तुम आंसर दो बताओ। तो अब पहले ही बता रहा हूं जिसको नहीं पता छेड़ना भी मत, मैं रैली में करूंगा इस बार, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, बोलो बोलो बोलो, करो करो आंसर करो, बहुत सिंपल है बच्चों, पी टू बढ़ना मतलब क्या बढ़ना, साफ समझ सकते हैं आप, पी टू बढ़ना मतलब क्या बढ़ना, इफ पी टू इंक्रीजेज एंड अदर टर्म्स कॉन्स्टेंट देन द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब बच गए तुम, सब बच गए, सब बच गए, दैट इज इन डिक्रीजेज, यस ठीक है ना। अब सिंपल था समझना कि अब क्या कर रहे हैं, पी टू बढ़ा रहे हो तो ये फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, ये फैक्टर इंक्रीज कर रहा है तो समथिंग माइनस वन इंक्रीज ही करेगा, और समथिंग सम बड़ा माइनस वन इंक्रीज करेगा तो ये इधर वाला फैक्टर बढ़ेगा, इधर वाला फैक्टर बढ़ेगा तो वन माइनस बढ़ेगा मतलब घटेगा, तो दैट इज डिक्रीज, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई है इंक्रीज वाला, किसी से गलती से इंक्रीज लिखा हो, कमलेश कुमार, सॉरी कमलेश, बाय बाय, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, कमलेश वापस आ जाना हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक नहीं किया मैंने, चैट से हटाया है, अब कसम खाली थी तो हटाना था ना, सॉरी, बट वापस आ जाना कमलेश, इसको बुरा मत मानना, ये छोटी सी पनिशमेंट है, समझ आ रही बात, क्लियर है, समझ आया कंसेप्ट किसी के, देखो मैंने हटाया ना, हटा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है बच्चों, जो एकदम से दिमाग में नहीं आएंगे अगर आपने पहले सोचा हुआ नहीं है इस चीज के बारे में, और पहले सोच रखा है तो बहुत आसान से क्विक करोगे, और वहां कर भी लोगे अगर आप इनको, तो यू विल वेस्ट योर टाइम, तो वो नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो ये सिंपल से कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा बच्चों, अब आप इसमें से कोई भी फैक्टर के साथ इस तरह का खेल कर सकते हैं कि ये बढ़ेगा तो क्या होगा, वो बढ़ेगा तो घटेगा, तो याद रखिए इन दोनों चीजों के बढ़ने और घटने पे अलग अलग इफेक्ट होते हैं, अंदर वाला और बाहर वाला, सी और आरपी, ठीक है ना, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये बढ़ेगा तो पूरा फैक्टर बढ़ेगा, पूरा फैक्टर बढ़ेगा तो ये कंप्लीट बढ़ेगा, ये कंप्लीट बढ़ेगा तो पूरा फैक्टर घटेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपको चलना है, क्लियर है, समझ आया बात। तो आरपी और सी के बढ़ने से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटती है, एन के बढ़ने से इंक्रीज होती है, क्योंकि वो वन अपॉन एन है, वहां पर यूज हो रहा है, बस इतना सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ आ गई बात। चलो अब एक चीज और, लास्ट लास्ट एक और ले लेते हैं, ये भी बता ही दोगे, अब कोई समस्या नहीं है। इफ P2 इज ग्रेटर देन P1, तो मतलब RP जो है वो ज्यादा है, ऑब्वियस बात है, ज्यादा ही होगा। इफ P2 इज P1 ग्रेटर देन P1 एंड N वगैरह जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो बताइए RP के बढ़ने से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, सिंपल, RP के बढ़ने से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, सिंपल बताइए, आरपी के बढ़ने से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, सॉरी आरपी कह रहा हूं मैं, सॉरी पी टू, आरपी नहीं, सी, सी बचा ना, सी, इफ क्लियरेंस रेशियो इंक्रीजेज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल, अब आसान है बताना ना, इफ क्लियरेंस रेशियो, लास्ट केस यही हो सकता है, बस लास्ट हमने क्लियरेंस रेशियो का ही नहीं बोला, कि बाकी सब चीजों को मैं कॉन्स्टेंट लू और पी टू को बड़ा ही मानू, मतलब इसको पॉजिटिव ही मान के चलू, पी टू को बड़ा ही मान के, ऑब्वियस बात है बड़ा ही कंप्रेस ही कर रहे हो तो बड़ा ही होगा, P2 तो P1 से बड़ा ही होगा, तो ऐसे में बताइए एफिशिएंसी क्या होगी क्लियरेंस रेशियो के इंक्रीज होने पे। तो यू ऑल नो दैट कि ये पॉजिटिव माइनस समथिंग पॉजिटिव आएगा, और क्लियरेंस रेशियो अगर हम और बढ़ा रहे हैं तो इट विल डिक्रीज, तो इट इज इजी, दैट इज इट विल डिक्रीज, ठीक है ना। बस अब इसके अलावा और कोई इसको हो ही नहीं सकते, तो पेपर में या तो ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा, तो दीज आर द फोर केसेस विच कैन कम इन द पेपर एंड यू कैन इजिली आंसर, समझ आ गई बच्चों बात, क्लियर है कहानी, कोई समस्या नहीं, दैट्स इट। तो ये था हमारा
रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में कुछ मेन मेन बातें। अब इसके बाद एक टॉपिक और आता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टेजिंग ऑफ कंप्रेसर। मल्टी स्टेजिंग ऑफ कंप्रेसर वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने गैस टरबाइन में इंटरकूलर ऐड किया था, सेम कहानी, ठीक है ना, जैसा गैस टरबाइन में इंटरकूलर ऐड किया था वही सेम कहानी यहां पे है। तो बस छोटी सी बात मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, क्या है वो छोटी सी बात, समझ गए ना ये वाला टॉपिक, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाला, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है आंसर करने में अगर पहले ढंग से इस पे चीजें सोची भी नहीं है तो, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो जाती हैं। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो मल्टी स्टेजिंग में बात करते हैं हम जब, तो मल्टी स्टेजिंग मतलब वही है जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसर को एक इनिशियल लेवल से सीधा हाई प्रेशर में ले जाने से बेटर है कि कंप्रेसर को स्टेजेस में उसका प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाए। मतलब एक स्टेज तक, एक कंप्रेसर को एक स्टेज तक चला के, कि मान लीजिए कोई P1 से प्रेशर है हमारे पास, उस P1 से एक कंप्रेसर में डाला हमने, ठीक है, एक कंप्रेसर में डाला, उसको डिलीवर्ड कराया किसी एक प्रेशर तक, P2 तक, ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा कंप्रेसर लगाया, उसके बाद हमने दूसरा कंप्रेसर जो है वो ऐड किया, सेम टाइप कंप्रेसर, तो दैट इज कंप्रेसर 1, दैट इज कंप्रेसर 2, ठीक है, एंड देन फाइनल जो है वो प्रेशर हमें डिलीवर्ड हुआ जो हमें चाहिए था, ठीक है, P3 एंड P4, ठीक है, P3 एंड P4, इस तरह से हम कह सकते हैं। नाउ लेकिन इन दोनों के बीच में जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए वी विल एड एन इंटरकूलर बिटवीन देम, एंड इंटरकूलर बिटवीन देम, ठीक है, तो ठंडा करने के लिए हम एक इंटरकूलर जो है वो इसके बीच में ऐड करेंगे, ठीक है, कोल्ड एयर या कोल्ड आप वाटर कह सकते हो, जो भी कूलिंग सिस्टम, ठीक है ना, तो वो कोल्ड सिस्टम यह है और कोल्ड जो है वो यहां से बाहर निकलेगा, तो कोल्ड वाटर या जो भी हम लोग वाटर कूलिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो हम यहाँ पे एक कूलिंग टावर, दैट इज कॉल्ड इंटरकूलर। तो बस ये कहानी होती है मल्टी स्टेजिंग की, ठीक है ना, तो मल्टी स्टेजिंग से क्या होता है, कंप्रेसर वर्क हमारा सेव होता है, ठीक है, समझ आई बात, क्या सर VI1+C+C+C, क्या मतलब समझा नहीं मैं, गौतम क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं बेटा, ठीक है, सॉरी मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे थे, ठीक है, तो यहां पे कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 के बीच में ऐसे हम इंटरकूलर लगा देंगे जो हमारा क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा इसके बीच में, तो इसका ग्राफ भी आप लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना, ग्राफ भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जब हम ग्राफ बनाएं, तो मान लीजिए हमने किसी 1 वॉल्यूम से कंप्रेस करना शुरू किया, किसी 1 प्रेशर से, दिस इज द प्रेशर 1, तो हमने किसी प्रेशर 2 तक कंप्रेस किया, ठीक है, बाय सम कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है ना, तो अब यहां पे कंप्रेशन जो हमने किया उसके बाद हमने यहां पे इंटरकूलर लगाया और यहां तक कुछ वॉल्यूम जो है वो खुद ब खुद कंप्रेस हो गया, समझिए वॉल्यूम रिड्यूस हो गया एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और उसके बाद सेम कंप्रेसर जो है वो ऐसा रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना, इसका हमने TS डायग्राम भी बनाया था आपके सामने, सिंपल, तो यहां जरूरत नहीं है, तो इसका जो प्रेशर है वो कुछ मान लीजिए P3 P4 प्रेशर रहा, तो P1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सिंपल ऐसे, तो ये हमने हमारी बात कही थी, ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग प्रोसेस लेके चलते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि वर्क सेव कितना हुआ, तो हमें यहां पे दिखाई देता है द वर्क सेविंग इज, तो दैट इज द वर्क सेविंग, ये जो है डायरेक्ट V4 ऐसे पहुंच सकता था, ये वर्क हमारा क्या होता है, सेव हो जाता है, ये हमने बात करी बाय इंटरकूलिंग।
बाय दिस इंटर कूलिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा मल्टी स्टेनिंग ऑफ कंप्रेसर कहलाता है। हाँ, टेलीग्राम पर वीडियो का लिंक नहीं आता, ये बात तो है। खैर, तुम्हें लिंक वीडियो से पहले चाहिए, वीडियो के बाद? वीडियो के बाद या शेड्यूल वाले चाहिए होते हैं ना, मेरे ख्याल से पहले डालना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा, अब आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात, क्लियर है? इतनी बेसिक सी बात को हम लोग ध्यान रखें, बस। अभी इस पे तो मुझे कोई खास क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं, बस क्वेश्चन वही है बच्चों, इंटरमीडिएट प्रेशर वगैरह की कैलकुलेशंस हैं। तो इंटरमीडिएट प्रेशर वगैरह के लिए हमने पहले ही कैलकुलेशन बताई है ऑलरेडी, दैट इज आप परफेक्ट इंटरकूलिंग कब है, परफेक्ट इंटरकूलिंग कब कहते हैं हम लोग। तो ये हमने वहां भी डिस्कस किया था कि परफेक्ट इंटरकूलिंग तभी कहलाएगी जब हमारा यहां से निकलने वाला टेम्परेचर जो है वो इनिशियली, मान लीजिए इनिशियली टेम्परेचर T1 पे जो है वो हमारा कंप्रेशन स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे जो एयर थी उसका टेम्परेचर T1 था, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर T1 था। तो T1 एयर गई अंदर, टेम्परेचर बढ़ा, बाहर निकली 2 पे, टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वापस हीट बाहर निकली। तो अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है थर्ड पॉइंट पे, दैट टेम्परेचर विल रिमेन सेम बाई, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ जो एंटर कर रहा है T3, तो याद रखिए परफेक्ट इंटरकूलिंग तभी है बच्चों कि ये वापस उसी टेम्परेचर पर पहुंचा दे जो इनिशियल टेम्परेचर था इस कंप्रेसर में जाने का। तो इस कंप्रेसर में एंटर करने का भी इनिशियल टेम्परेचर वही होना चाहिए, ये हमने वहां TS डायग्राम में देखा था एक हमारे गैस टर्बाइन में। तो याद रखिए परफेक्ट इंटरकूलिंग तभी है जब T1 = T3 है, परफेक्ट इंटरकूलिंग तभी है जब T1 = T3 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसी से हम लोग रिलेशन निकालते हैं प्रेशर का भी, कि प्रेशर जो है P2 = हमारा प्रेशर जो है वो रिलेशन भी हम इंटरमीडिएट प्रेशर का इसी से निकालते हैं, कि दैट इंटरमीडिएट प्रेशर जो है हमारा वो 1 और 3 के बीच का होना चाहिए जो इंटरमीडिएट प्रेशर है, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे जो भी है। अब यहाँ पे एक दूसरी बात बच्चों इंपॉर्टेंटली समझनी है हमें, दूसरी बात समझनी है कि अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेज बढ़ के क्वेश्चन आता है, अभी तो मैंने 2 की बात करी कि इतने नंबर ऑफ स्टेज इतनी है, तो क्या करेंगे? तो याद रखिए इफ देयर आर, जो मेन फॉर्मूला है वो याद रखना है, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है, अगर स्टेजेस को हम बढ़ाते जाएं कंप्रेशन की, मल्टी स्टेज करते जाएं, तो ऐसे में आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि भैया प्रेशर रेशियो जो है वो मेंटेन रखने हैं P2/P1, ठीक है ना, P2/P1, ऐसे ही P2/P1 जैसे वैसे P4/P3 हमने रखा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि प्रेशर जो है, अगर प्रेशर किसी का एन से स्टार्ट हो रहा है तो कहां तक जाएगा प्रेशर, N+1 तक, ये हमें कॉन्स्टेंट बना के रखना है, ठीक है ना, समझ आ रही बात। PN3 तो 3+1 4, 1 तो 1+1 2, तो PN/PN+1 C, तो ऐसे में आपको आता है कि नेक्स्ट प्रेशर क्या होगा, तो यू कैन राइट PN+1 = कॉन्स्टेंट ऑफ PN, ये बेसिकली जो है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। सो अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम बाकी के कैलकुलेशन को भी करते हैं, ठीक है ना। अब याद रखिए, सॉरी इसको ऐसे ना लिख के, ऐसे लिखो आप कि ये क्या होगा, देखो P2 = मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ, P2 = P1C हुआ, ठीक है, P2 = P1C हुआ, P4 = P3C हुआ। अच्छा, इसमें बीच में एक रेशियो और अमाउंट जुड़ता है, 1 से 2, 2 से 3 भी कर देता हूँ, मान लीजिए मैं थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, P2 1, ठीक है, P3 2। अब देखो, अब इसमें समझने वाली चीज क्या है कि अगर मैं सी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ P2 = P1C, P3 = P2C। अब देखो P2 की वैल्यू यहां पुट करो तो कितना आएगा, P3 = P1C² हो जाएगा भाई, P1 की फॉर्म में C स्क्वायर हो गया, देखो सबको मैं P1 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, P4 = P3C, P3 की वैल्यू पुट करो तो P1C³, P4 = P1C³, है ना। अब देखो यहां पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे प्रेशर को मैं आगे निकालता जा रहा हूं वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट की पावर उतनी उतनी बढ़ती जा रही है, 4 के लिए एक कम, ठीक है ना, इसके लिए एक कम, इसके लिए एक कम, 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3। तो यहां पे अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनता है, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर एन नंबर ऑफ स्टेजेस के लिए लें, एन नंबर ऑफ स्टेजेस के लिए लें, हटा दू इसको, तो यहां पे हमारे पास
सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है कि आपको हमने क्या लिखा, पी टू के लिए पी वन की पावर सी वन, पी थ्री के लिए पी वन की पावर सी टू, पी फोर के लिए पी वन की पावर सी आपका थ्री। तो ऐसे में आपको क्या करता हूँ, इनिशियल प्रेशर दे देता है और इस कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, तो आपको निकालना है पी फोर या पी थ्री या पे। तो याद रखिए पी एन प्लस वन, अगर आप आगे वाला प्रेशर निकाल रहे हो तो इनिशियल प्रेशर सी की पावर एन, एन प्लस वन, फोर निकाल रहे हो तो थ्री, तो एन प्लस वन निकाल रहे हो तो एन, तो पी वन एन प्लस वन इज इक्वल टू पी वन सी की पावर एन। ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है बच्चों, जो टोटल वर्क निकालोगे आप तो उसमें सिर्फ एन का मल्टीप्लाई कर देना है कितने नंबर आप ले रहे हो मल्टी स्टेज, बाकी कोई फर्क नहीं है। एन डब्ल्यू सी, जो भी कंप्रेसर वर्क आपने निकाला है उसको एन से मल्टीप्लाई कर देना। तो दैट इज द फॉर्मूला जिसको आप मल्टी स्टेजिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है ना, दैट इज द फॉर्मूला जिसको आप मल्टी स्टेजिंग में यूज कर सकते हो। बाकी इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा आपकी चीजें। ठीक है ना, तो मेनली बस हमें यही याद रखना है बच्चों कि प्रेशर रेशियो हमने बना के रखा है, तो दैट इज पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल टू पी थ्री अपॉन पी टू, तो पी टू स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन पी थ्री। तो ऐसे में हम ये पी टू अगर बीच का प्रेशर कोई बोलेंगे किसी में तो वो पी वन पी थ्री हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस यही कुछ बातें हैं जो हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल इस तरह की चीजें जो हैं, ठीक है ना, तो ये टोटल चीजें हमें करनी होती हैं। क्लियर है, तो आई होप ये आपके समझ में आ गया। तो इतना शॉर्ट नोट में बच्चों रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में लिखेगा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के आपके सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी हम दिन में क्वेश्चन लेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना, समझ आई बात बच्चों, क्लियर है, बताइए कोई कंफ्यूजन। ठीक है ना, आई थिंक यू ऑल गेट द नोट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, बस इसको अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद दिन में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं और क्या और हमें सीखने को और ऐड करने को मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर ऑल योर सपोर्ट्स। बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है। ठीक है ना, मेरे लिए वो एक बच्चे का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो एक बच्चा भी दिल से कर रहा है, तो वो जितने भी कर रहे हैं आप सभी लोग, बस ये है कि ये मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी टीचर, किसी से कंपैरिजन, किसी से कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, देखो मन में कई विचार आ सकते हैं, आपने 10 जगह पहले भी पढ़ा है, मुझसे ही पढ़ेंगे, आगे भी कई अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ेंगे, तो कभी भी किसी के नाम के रेफरेंस के साथ किसी को कंपेयर मत करिएगा। मुझे भी बहुत बुरा लगता है अगर आप किसी स्टूडेंट को लिखिए सर मैंने वहाँ ये नहीं करा, ये नहीं, हो सकता है कुछ भी, है ना, आप कुछ मुझसे सीखेंगे तो कुछ दूसरे से और ज़्यादा सीखेंगे, है ना, एक से एक लोग हैं या दिग्गज लोग हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो इसलिए हम किसी का नहीं, बस आप अपना काम करते जाइए बस, और किसी से कभी कंपैरिजन नहीं, कभी नहीं कंपैरिजन करोगे तो हमेशा निराश ही दोगे। क्यों? क्योंकि हर आदमी हर टाइम, मैं भी हर टाइम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता हूँ, बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत मिस्टेक्स भी होती हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है किसी दिन दे, तो ये सब चलता रहेगा हर एक के साथ, तो मेरे साथ भी होता है तो सबके साथ भी होगा। ठीक है ना, किसी के साथ ज़्यादा होगा तो किसी के साथ कम होगा, तो बस आपको वही है कि समझदारी से आप भी एक समझदार बंदे की तरह रहेंगे, है ना, किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस मजे लेते रहें लाइफ के, और क्या है, जब ये चीज़ें दिमाग से नहीं रहती तो उसको पढ़ने और उन चीज़ों का लुत्फ उठाने का मजा ही अलग है। ठीक है ना, मेरा भी टारगेट ये है कि एक बहुत बेहतर इंजीनियर से ज़्यादा बेटर आपको बहुत बेहतर पहले इंसान बनाने की कोशिश करूँ और खुद बनने की कोशिश करूँ, मतलब आपको बनाने का मेरा मतलब है कि मैं खुद को बनाना चाहता हूँ। ठीक है ना, आपको बनाते बनाते चीज़ें सीख सकता हूँ खुद को बेहतर इंसान बनाने की, तो बेहतर इंसान यही है कि अपना कार्य अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से करते जाए बिना किसी कंपैरिजन के। ठीक है सर, P3 क्या मतलब? रौनक सिंह, P3 क्या हुआ P3 को? पता नहीं, बोलो कुछ बोल रहे हो तो। ठीक है, अब 1 बजे मिलते हैं बच्चों। ठीक है ना, बाकी अपने पेपर पे फोकस करिए। ठीक है, और ये याद रखिएगा बच्चों, संडे को टेस्ट बोला है ना, अब टेस्ट में काफी बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है, कई मैसेज कर रहे हैं सर एक साथ सारे सब्जेक्ट मत लो, ये लो, बताओ कैसे करना चाहते हो फिर आप? अगर एक साथ सारे सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हो ये बताइए। अच्छा, ये P3 P2 कह रहे हो, मैं बच्चों ये रेशियो जो बताया आपको इंटरनेट, अभी आपको क्वेश्चंस करोगे समझ आएगा, ये मैंने दो प्रेशर रेशियो के बीच का बताया, मतलब अगर 1 से 2, 2 से 3 हम लोग प्रेशराइज कर रहे हैं तो ये इंटरमीडिएट प्रेशर है, ये इस रेशियो के लिए बताया मैंने,
रेशियो अगर हमारा है, ये रेशियो कांस्टेंट है, तो इस रेशियो के लिए हम लोगों ने बताया ये रेशियो कांस्टेंट रखना है हमें कैसे भी करके, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट नहीं, ऐसे तो फिर यार एक ही सब्जेक्ट में चिपके रहेंगे ना, मतलब चाहे कॉम्बिनेशन बता दो, आप पांचों मत बोलो, मुझे ये बता दो कि भाई सर इन दो तीन के या कुछ इसके, ऐसा बता दो, लेकिन सारे सब्जेक्ट मत छोड़ो। मतलब यार ऐसे में हम रिवाइज कब करेंगे ये सोचो ना। बेसिक थर्मो है, हाइड्रोलिक मशीन्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सोम है, टोम है, तो आप इनमें से जो है वो किसके करना चाहते हो टेस्ट, ये बताओ। एक एक सब्जेक्ट का अभी ले लो सर, बाद में कंबाइंड ले लीजिएगा। नहीं कंबाइंड वो तो लेंगे ही बाद में, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा पीछे की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अभी एक एक में तो पूरा मजा आता रहेगा आप लोगों को, क्योंकि एक एक में भी तो ऐसा नहीं है ना कि सब बहुत बढ़िया मार्क्स एकदम ऐसे आ रहे हैं कि कुछ छूटेगा नहीं। भाई लोगों की कमी, आप जैसे आप कहते हो कि यार कुछ बच्चे हैं रेगुलर, वो तो इतने ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं 20-20, 25-25 मिनट में, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कराओगे। क्या पता किसी का एक ही सब्जेक्ट अच्छा हो, क्या पता किसी के दो सब्जेक्ट अच्छे हों, तो ये भी तो पता चलना चाहिए किसी के दो तीन सब्जेक्ट भी अच्छे हैं कि नहीं है। नहीं टेस्ट मेरे हिसाब से मैं ही डिसाइड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं अपने आप एक कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ बच्चों, मैंने तो यही बोला आप पीछे के सब्जेक्ट रिवाइज करते रहो, मैं खुद एक कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ फिर, और मैं आपको जो है वो आज शाम को ही सूचित कर दूंगा कि टेस्ट किस किस का होना है संडे को, ठीक है। टाइमिंग तो देखो वही रहेगी, टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं है, टाइमिंग में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि दिन में कर दो ये कर दो, वो हमने पिछली बार उसके इफेक्ट देखे हैं, ठीक है ना। टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं है, टाइमिंग वही है, और शाम को जो है वही डिस्कशन है रिजल्ट का। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच गाइस।